नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट को। बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। और ये टॉपिक दोस्तों रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ईएलपी, जेई, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इस पे टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला जो हम समझते हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, क्या आता है? लीनियर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है वो समझिएगा। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएगा, बीच में कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो इस साइड अगर जाते हैं तो ये क्या हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हो जाएगा। अगर इस साइड को जाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट है वो राइट हो जाएगा, आपका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कब, जब आप नॉर्थ या ईस्ट में देखेंगे तब, या नॉर्थ या ईस्ट किसी का भी क्वेश्चन आएगा तो इसी चीज को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा गया कि साउथ में कोई आदमी देखता है, साउथ या वेस्ट में कोई देखेगा तो नीचे की तरफ देखेगा, ये ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा कि यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये जो राइट हमने माना था ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको आप कहते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सिंगल लाइन जैसा ये, या तो नॉर्थ या साउथ पे, एक है आपका पैरेलल लाइन ऐसे करके, ठीक है। पैरेलल लाइन में भी आपको पैरेलल स्ट्रेट लाइन पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। आमने सामने दो लोग बैठे होंगे, ठीक है। अब हो सकता है पांच आदमी हो, तीन आदमी हो, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। अब हम दोस्तों देखते हैं आगे, अब दोस्तों हम आगे देखते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं, ठीक है। किसको देखेंगे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। लीनियर के बाद हो जाएगा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है नंबर टू, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अब सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि ये सिटिंग सर्कल है एक, तो सर्कुलर में क्या हो जाएगा, या तो आपका क्वेश्चन इनसाइड पे होगा या फिर आपका क्वेश्चन आउटसाइड पे होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इनसाइड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर ठीक है बीच में एक लाइन खींच देते हैं, इनसाइड पे क्वेश्चन दिया हुआ है और आप इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है, एरो मैंने बनाया हुआ है, एरो के हिसाब से सोच रहे हैं, तो ये आपका राइट हैंड हो गया और ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, तो राइट और लेफ्ट हो गया। मतलब इस साइड के बाद, इन साइड मतलब इस साइड अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो राइट और इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। वही अगर आउटसाइड आप देखते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, नहीं ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, कर दिया, ठीक है ना। हमने सेटिंग अरेंजमेंट है मतलब जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों को अच्छे से समझ लिया। अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन को बैठाना है, तो हो सकता है कि आपको चार आदमी का क्वेश्चन आया, तो चार आदमी को जिसको भी बैठाना है आमने सामने बैठाना है, इसके सामने कोई आदमी है तो इसके सामने किसी आदमी को बैठाना है, ठीक है। मतलब आमने सामने आदमी होने चाहिए। अगर आपने यहाँ बैठाया तो यहाँ भी बैठाएंगे, यहाँ बैठाया तो यहाँ भी बैठाएंगे। तो ये कितने हो गए, आठ आदमी के हो गए। क्वेश्चन ज्यादातर कितने आदमी के आते हैं, आठ आदमी के, या छह आदमी का भी क्वेश्चन आ सकता है रेलवे में। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी को बैठाया तो यहाँ पे बैठाइए, यहाँ पे बैठाया तो यहाँ पे बैठाइए, यहाँ पे बैठाया तो यहाँ पे बैठिए, तो छह आदमी का इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट होगा। अब मान लीजिए कि सात आदमी है, पांच आदमी है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आदमी बैठा है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बैठा है तो उसके सामने, और यहाँ पे बैठा है तो उसके सामने, और सातवां आदमी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सात आदमी का हो जाएगा ये, ठीक है। एक मान लीजिए पांच आदमी का मैं बता दूं, पांच आदमी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सामने सामने, ये पांचवा आदमी को यहाँ रख लीजिए, ठीक है, तो ऐसे करके बैठा सकते हैं पांच आदमी को। तो ये पांच आदमी, चार आदमी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, इसको इस चीज को हटा देते हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट को समझते हैं। तो नंबर तीन में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है, या फिर हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर है, ये ऐसे करके रेक्टेंगल बना लिया, अब इसमें भी इनसाइड होगा, आदमी या तो इनसाइड करके बैठेगा या फिर आदमी आउटसाइड करके बैठेगा, ठीक है, ये आउटसाइड का हो गया।
तो सेम उसी जैसा जैसा सर्कल में था, ये राइट हो गया और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यहां भी ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो बैठा सकते हैं। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों आठ आदमी बैठाना है तो कॉर्नर पे बैठा लीजिए सभी को, ठीक है, कॉर्नर पे बैठा ले सकते हैं दो दो आदमी करके, या फिर मान लीजिए आठ आदमी बैठाना तो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बैठा सकते हैं आठ आदमी को, ठीक है। एक आदमी बीच में होगा और बाकी सब आदमी क्या होगा, कॉर्नर पे होगा। मतलब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये टाइप वन हो गया, ये टाइप टू हो गया। किसी में भी पूछा जा सकता है, रेक्टेंगुलर हुआ या फिर स्क्वायर हुआ या फिर हेक्सागन पेंटागन, सभी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब आगे कुछ आता है तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब टाइप वाइज क्वेश्चन देखते हैं, टाइप वन को हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा पहला टाइप है, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पहला टाइप देखिएगा, टाइप वन में वृत्तीय पथ मतलब सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला टाइप में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि छह व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, मतलब फेसिंग सेंटर है। तो छह व्यक्ति है फेसिंग सेंटर, तो छह व्यक्ति को मैंने बताया कि ऐसे बैठा लीजिए, ठीक है, छह व्यक्ति को बैठा लिया। इनसाइड बोला गया है, केंद्र की ओर मुख करके बैठ रहा है, तो ऐसे एरो हमने अंदर की तरफ कर दिया। अब लेफ्ट और राइट आप लोगों को पता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता है। उसके बाद देखिए, छह व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वृत्ताकार टेबल में ताश खेल रहे हैं, प्रदीप सोनू के बाएं है। अब देखिए सोनू के बाएं, सोनू को यहाँ फिक्स कर लीजिए, ठीक है, सोनू को यहाँ फिक्स कर लिए। अब बाया, बाया मतलब क्या होता है, प्रदीप, ये दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, प्रदीप सोनू के लेफ्ट है, तो एकदम लेफ्ट भी हो सकता है या फिर कुछ छोड़ के भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम बैठा लेते यहाँ पे प्रदीप को, लेफ्ट तो यही जा रहा है ना, इस साइड जो एरो है वो लेफ्ट के साइड जा रहा है। प्रदीप सोनू के लेफ्ट है, अमर रमेश और महेश के बीच में है। अब यहाँ लिख लीजिए अमर, महेश और रमेश के बीच में है अमर, ठीक है। तो इसको अभी नहीं बैठाते हैं, इसको बाद में बैठाएंगे। अमर रमेश और महेश के बीच में है, हरिकेश अमर के बाई ओर दूसरे स्थान पे है। तो इस चीज को लिख लीजिए, हरिकेश अमर के बाई ओर, बाया मतलब क्या होता है, बाया मतलब लेफ्ट होता है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ अमर, ठीक है। तो अमर को अब कहीं पे बैठाना होगा, मान लीजिए कि अमर को कहां बैठा ले, अमर को यहां बैठा लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, और सेकंड लेफ्ट जाना है, तो सेकंड लेफ्ट किस साइड जाएंगे, इस साइड ही जाएंगे, क्योंकि इस साइड अगर हम काउंट करेंगे तो ये राइट हो जाएगा, तो लेफ्ट जाना है, तो हरिकेश से यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे एम और आर, या तो यहाँ पे एम और आर में से कोई एक होगा, या फिर यहाँ पे एम और आर में से कोई एक होगा, ठीक है। तो हमने शायद इस क्वेश्चन को बना लिया और हमने क्या किया, बैठा लिया। तो इनके बारे में कुछ नहीं बोला गया कि महेश यहाँ पे होगा या रमेश यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे बाकी के बारे में कंफर्म हो गया कि पी एस एच यहाँ पे होगा। अगर हम सामने सामने चेक करें यहाँ पे, हो सकता है कि जो आप क्वेश्चन में बनाए और जो बुक में सॉल्यूशन देखे वो मैच नहीं करेगा। तो जब भी आपको सॉल्यूशन मैच करना है तो आपको क्या करना होता है कि सामने सामने मैच करना है। जैसे प्रदीप के सामने कौन है, प्रदीप के सामने हो जाएगा यहाँ पे या तो रमेश होगा या महेश होगा, ठीक है, प्रदीप के सामने। उसके बाद अगर हम देखेंगे महेश से, उसके बाद महेश से हरिकेश के सामने देखेंगे, तो हरिकेश के सामने या तो महेश, हरिकेश के सामने क्या हो जाएगा, हरिकेश के सामने महेश हो सकता है, महेश या रमेश में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अमर के सामने देखिएगा, तो अमर के सामने कौन है, अमर के सामने है ये एस, एस मतलब क्या है, एस का मतलब हो जाएगा सोनू, ठीक है। तो ये हमने बैठा लिया, बट दो जगह डाउट है, एक बार क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं। सोनू प्रदीप के बाएं है तो ये सही है, अमर रमेश और महेश के बीच में है, हरिकेश अमर के बाई दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये भी हमने सही बना लिया, ठीक है। आगे देखिएगा इस पे आधारित क्वेश्चन, प्रदीप के दाई और दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, प्रदीप के दाई और दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो प्रदीप यहाँ पे दूसरे स्थान पे अमर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, प्रदीप के दाया और मतलब राइट साइड, तो इस साइड जाना होगा, तो हरिकेश बैठा हुआ है। तो देखिये तो ऑप्शन में हरिकेश दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे, अमर और प्रदीप के बीच में, अमर और प्रदीप के बीच में कितने व्यक्ति है, तो देखिए अमर और प्रदीप, प्रदीप यहाँ पे, अमर यहाँ पे,
अब लेफ्ट से पूछा गया है कि राइट से पूछा गया है, तो पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है। और यहाँ पे अगर लेफ्ट से पूछा जाएगा तो तीन, अगर लेफ्ट से पूछा जाएगा तो एक, राइट से पूछा जाएगा तो तीन, ठीक है। तो एक या तीन को ही होगा। अमर और प्रदीप के बीच में कौन है ये पूछा गया, अमर और प्रदीप के बीच में, तो महेश या रमेश हो जाएगा, महेश या रमेश हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने ध्यान से देखा नहीं था, आगे देखिएगा। हरिकेश से अमर का स्थान कौन सा होगा, हरिकेश की तुलना में अमर का स्थान, तो अब यहां देखना होगा एक दो, सेकंड फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम राइट दिया हुआ है, मतलब दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा ऑप्शन नंबर बी यहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बना लिया तो आप पे जितने भी क्वेश्चन इस पे आधारित है वो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तीन क्वेश्चन थे, तीन क्वेश्चन हमने देख लिया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है, चार से आठ है, इस क्वेश्चन को पहले मैं हटा दू। देखिएगा, केंद्र की ओर बुक करके छह दोस्त एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हुए है, रमेश चैताली के ठीक बाएं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बना लीजिए, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, तो ये आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। अब रमेश यहां से स्टार्ट कीजिएगा, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाइएगा तो बीच से स्टार्ट कीजिएगा, आपको देखने में क्या होगा सुविधा होगा, आसानी से आप बना पाएंगे। यहाँ पूछा गया कि रमेश चैताली के ठीक बाय है, तो इस साइड मैंने बताया कि लेफ्ट होता है, इस साइड बताया था कि राइट होता है, तो लेफ्ट और राइट लिख लीजिए। और यहाँ पहला लाइन है, क्या लिखा हुआ है, रमेश चैताली के ठीक बाय है, चैताली यहाँ हो जाएगा, रमेश यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, हमने लिख लिया। आगे देखिएगा, जो श्याम के ठीक है बाय है, अब जो किसके लिए आया, चैताली के लिए आया, चैताली श्याम के ठीक है बाया बोला गया, मतलब लेफ्ट बोला गया, ठीक है, जो श्याम के ठीक बाय है तो लेफ्ट हो गया। चित्रा चैताली के बाई दूसरी ओर बैठी हुई है, मतलब चित्रा चैताली के बाई, मतलब चित्रा को सी एच, चैताली को सी टी लिख लेते हैं, ठीक है। बाया मतलब सेकंड लेफ्ट, एक दो लेफ्ट साइड। आगे देखिएगा, इकबाल मोहनी और एवं श्याम के बीच में, इकबाल मोहनी और श्याम के बीच में, इकबाल मोहनी और श्याम के बीच में, इकबाल यहां पे हो जाएगा, मोहनी यहां पे हो जाएगा, और ये मुझे लगता है कि श्याम है, ठीक है ना। तो हमने सबको बैठा लिया, अब इनको अगर आंसर को मिलाना है तो आपको कैसे करना होगा, आमने सामने मिलाना होगा, तो आमने सामने मिलाइएगा तो चैताली के सामने मोहनी है, चैताली के सामने मोहनी सही है, रमेश के सामने इकबाल होना चाहिए तो रमेश के सामने इकबाल है, और श्याम के सामने चित्रा होनी चाहिए तो श्याम के सामने चित्रा है। तो शुरुआत आपने कहां से किया, यहां से, हो सकता है कि चैताली यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, जो भी बुक है, जो भी पब्लिकेशन का बुक ले रहे हैं उसमें, ठीक है ना। बट आपको क्या करना है कि बीच से ही स्टार्ट करना है। अब इस पे क्वेश्चन देखिएगा, इकबाल के ठीक दाहिनी ओर, मतलब ठीक राइट साइड कौन बैठा हुआ, तो राइट साइड मोहनी बैठी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रमेश के बाई और दूसरे स्थान पे कौन है, रमेश के बाया साइड, रमेश के बाया मतलब, बाया मतलब क्या होता है, लेफ्ट, रमेश यहाँ पे है, एक दो चैताली, तो देखिए तो चैताली रमेश के बाई और दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो रमेश यहाँ पे है ना, नहीं ये राइट है, सॉरी ये राइट है और ये लेफ्ट है, रमेश यहाँ पे है, तो बाया साइड बोला गया, तो एम बैठा हुआ है, मतलब ये मोहनी, मोहनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, चित्रा के ठीक विपरीत कौन है, चित्रा के ठीक विपरीत कौन है, चित्रा यहाँ पे विपरीत में मोहनी है, तो तीन क्वेश्चन का आंसर मोहनी हो गया। मोहनी के ठीक दाहिने कौन बैठा हुआ है, मोहनी यहाँ पे राइट साइड पूछा गया है, तो राइट साइड इस साइड जाएगा, तो ठीक राइट कौन बैठा हुआ है, ये चैताली बैठी हुई है, नहीं चित्रा बैठी हुई है, ठीक है मोहनी के। रमेश के ठीक विपरीत कौन है, रमेश कहाँ पे, यहाँ पे रमेश के ठीक विपरीत है इकबाल, इकबाल सही आंसर हो जाएगा। तो हमने आठ क्वेश्चन बना लिया दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से 12, मतलब यहाँ भी चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे लिखा गया है कि एल एम एन ओ पी क्यू एक वृत्ताकार के चारों ओर बैठे हुए और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कीजिए कि कितने आदमी बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे सात आदमी शायद बैठ रहे हैं, कि कितने आदमी है, एक दो तीन चार छह आदमी है ना, यहाँ पे छह आदमी यहाँ भी बैठ रहे हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है, तो एक दो तीन चार पांच छह ऐसे करके हमने बैठा लिया। अब यहाँ पे एल एम एन जो भी है, एल एम के दाएं दूसरे स्थान पे, एल एल एम के, एम को फिक्स करेंगे जिससे जिसके
लेफ्ट या राइट है, तो एम के दाया दूसरा स्थान पे, दाया दाया मतलब राइट, ये राइट हमने लिख लिया, इसको सर्कल कर देते हैं, तो एक दो एम एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एल को बैठा लिया हमने। उसके बाद एल तथा पी के बीच में क्यू नहीं बैठा हुआ है, एल और पी के बीच में पी यहाँ यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे क्यू नहीं है, तो क्यू या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद एल एम के तुरंत बाई ओर है, मतलब यहाँ कहने का मतलब है एन लेफ्ट ऑफ एम, तो एम के तुरंत बाई ओर, मतलब एन यहाँ पे होना चाहिए, तो क्यू यहाँ पे होना चाहिए, और एक आदमी बच गया पी क्यू एल एम एन ओ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन को मिलाइए, तो एम के सामने ओ है, पी के सामने क्यू है, एन के सामने एल है, मतलब हमने सही बैठाया है। आगे देखिएगा इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, इस पे आधारित क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत देख लिया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से 15 देखते हैं, यहाँ भी तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, देखिएगा। आठ मित्र एल एम एन ओ पी क्यू आर एक वृत्त में बैठे हुए हैं तथा वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब सेंटर की ओर है, ओ एम एम ओ और आर के बीच में है, तो यहाँ पे आपको बनाना होगा एक, आठ मित्र है ना, तो आठ मित्र को बैठा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एम ओ और आर के बीच में है, तो इसको लिख लीजिए एम ओ और आर के बीच में, इसको फिलहाल नहीं बैठाइए क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन आ सकता है आपके पास है, एस एम के बाएं तीसरे स्थान पे है, एस थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, कहने का मतलब ये था एस एम के बाएं तीसरे स्थान पे, एल के दाहिने दूसरे स्थान पे, मतलब एस सेकेंड राइट ऑफ एल, ठीक है, मतलब इसी लाइन को हम लोग को लेके चलना है। उसके बाद यहाँ पे एन एल और आर के बीच में है, एल और आर के बीच में कौन है, एन। आगे देखिएगा एम और पी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, मतलब किसके किसके बीच में रिलेशन नहीं है, एम और पी के बीच में, एम और पी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अब इसमें बैठाइए, अब इसमें बैठाएंगे तो हम लोग इसको बैठाते हैं, एम को फिक्स करते हैं, एम को फिक्स कर दिए, सेकेंड लेफ्ट जाना है तो एक दो तीन थर्ड जाना है, मतलब एस यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे एस सेकेंड राइट, मतलब यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, मतलब ये लाइन को कंप्लीट कर लिया, ये लाइन को हमने कंप्लीट किया, एम एम ओ और आर के बीच में है, अब ओ आर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए ओ यहाँ पे हो गया, आर यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ बीच में एन बैठेगा, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एम और पी के, यहाँ पी सामने नहीं बैठेगा तो पी यहाँ पे बैठेगा, अब यहाँ पे कौन सा बच गया, यहाँ पे कौन सा बच गया उसको बैठा लीजिए, जो भी बच गया उसको बैठा लेंगे, तो मेरे हिसाब से कौन बचा, एम के सामने क्यू हो जाएगा, यहाँ पे एक क्यू बच गया, क्यू को बैठा लीजिए, ठीक है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन को देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, पी के दाहिने तीसरे कौन तीसरे स्थान पे कौन है, पी के दाहिने मतलब पी के राइट, पी यहाँ पे, पी के राइट इस साइड जाएगा तो लेफ्ट, इस साइड जाएगा तो राइट, एक दो तीन मतलब आर हो जाएगा, ठीक है, पी के राइट तीसरे स्थान पे आर है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू के राइट है, क्यू के राइट आर तीसरा है। अब देखिए क्यू यहाँ पे इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट, इस साइड जाएंगे तो राइट, एक दो तीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब फॉल्स यही है। आर के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ, आर यहाँ पे दाया मतलब राइट, एन बैठा हुआ है, आर के ठीक राइट कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ, तो ऑप्शन देखिए एन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो 15 क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार प्रश्न दिया गया है, छह लोग को बैठाना है, तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने देख लिया, ठीक है ना, छह लोग को कैसे बैठाना है ये देखना है, सर्कुलर ही होगा क्योंकि केंद्र की ओर जब मुख करके बैठे हुए हैं तो सर्कुलर ही हो गया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। छह लोग को सबसे पहले बैठाना है तो एक सर्कल बना लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, एक सर्कल बना लिए, ठीक है, आगे देखिएगा, छह लोग को यहां बैठाना है इस सर्कल में, छह लोग को हम लोग को बैठाना है यहाँ पे इस सर्कल में। अब शुक्ला रमन के दाहिने हैं, रमन यहाँ पे मान लीजिए, दाहिने मतलब राइट, शुक्ला यहाँ पे हो जाएगा। आगे महेश और मुकेश एक दूसरे के अगल बगल नहीं है,
महेश और मुकेश, महेश और मुकेश का कोई रिलेशन नहीं है, अगल बगल नहीं बैठेंगे, आमने सामने बैठ सकते हैं, अगल बगल नहीं बैठेंगे। महेश और मुकेश एक दूसरे के अगल बगल नहीं है। मुकेश से सोहन के बाएं है, मुकेश सोहन के बाया, मतलब मुकेश सोहन के बाया। ये शुक्ला है ना, शुक्ला, शुक्ला कौन है? मुकेश के बारे में बोला गया है कि मुकेश लेफ्ट सोहन, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। रोशन और सोहन के बीच में एक व्यक्ति है, रोशन और सोहन के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है, रोशन और सोहन के बीच में एक व्यक्ति है। महेश और शुक्ला आमने सामने है, महेश और शुक्ला आमने सामने है, तो यहाँ पे महेश हो गया, महेश और शुक्ला आमने सामने है, अगल बगल नहीं बैठेगा, ठीक है। ये दोनों के लिए दो जगह चाहिए क्योंकि ये दोनों अगल बगल का पड़ोसी है, तो यहाँ पे मान लीजिए शुक्ला बैठा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है, ये शायद रोशन है, रोशन और सोहन के बीच में एक व्यक्ति है, रोशन और सोहन के बीच में एक व्यक्ति होगा, ये रमन है, ये रमन है, ठीक है, और ये रोशन बोला जा रहा है, रोशन को आर एस लिखते हैं, ठीक है, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब रमन को तो हमने बैठा लिया यहाँ पे, अब यहाँ बोला जा रहा है कि रोशन, रोशन और सोहन के बीच में, तो रोशन को कहाँ बैठा ले, मान लीजिए कि रोशन को फिलहाल यहां मान लेते हैं, एक व्यक्ति है, सोहन को यहां मान लेते हैं, एक व्यक्ति कोई भी बैठेगा, और इसके सामने कौन बैठा हुआ था, महेश बैठा हुआ था शायद, तो महेश यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा गया था महेश के बारे में, तो मुकेश यहाँ बैठेगा, मुकेश अकेला यहाँ बैठेगा, तो ये दोनों अगल बगल भी नहीं हुए, और मुकेश लेफ्ट ऑफ सोहन, तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, मतलब हमने बैठा लिया, और क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं इस पे। देखिएगा, महेश के बाई ओर कौन बैठा हुआ है, महेश के बाया साइड कौन बैठा हुआ है, तो महेश कहाँ पे है, महेश, महेश यहाँ पे है, बाया मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो महेश के लेफ्ट साइड ये इस साइड होता है, सोहन बैठा हुआ है, ठीक है, महेश के लेफ्ट साइड कौन बैठा हुआ है, सोहन बैठा हुआ है, तो सोहन ऑप्शन में है, बिल्कुल है। आगे देखिएगा, रमन और सोहन के बीच में कौन है, रमन और सोहन, रमन यहाँ पे है, और कितने लोग है, तो आमने सामने है, दो लोग बैठेंगे, तो यहाँ पे दो लोग हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त व्यवस्था के को स्थापित करने में कौन सा कथन आवश्यक नहीं है, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आवश्यक नहीं है, तो आप लोग एक बार यहाँ कथन को देख लीजिएगा, कौन सा कथन आवश्यक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 5, 3 और 5 नहीं भी होते तो काम चल जाता, आप इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेन आप लोगों को सीखना है सिटिंग अरेंजमेंट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 से 21, ध्यान से देखिएगा, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर, मतलब 8 मित्र को यहाँ बैठाना है, तो 8 मित्र को बैठाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मित्र को हमने बैठा लिया, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ए एफ के ठीक सामने है, मान लीजिए कि ए एफ के ठीक सामने है और जी सी के बीच में है, ठीक है, मान लीजिए कि ए यहाँ पे है, एफ के ठीक सामने है और जी और सी के बीच में है, तो जी और सी कहीं भी जा सकता है, ठीक है, जी और सी के बीच में है, तो जी और सी अभी कहीं भी जा सकता है, ठीक है, कहीं भी बैठा लीजिए जी और सी को, मान लीजिए कि सी को यहाँ पे बैठा लेते हैं, जी को यहाँ पे बैठा लेते हैं, ठीक है, जी और सी के बीच में है। आगे देखिएगा, चेंज होगा, गलत होगा तो हम चेंज करेंगे इन दोनों को, ठीक है, इसलिए हम इनको अंडरलाइन कर देते हैं कि हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा सही होगा। ई एफ के सामने है, जी और सी के बीच में बैठा हुआ है, ई एफ के बाई तरफ, बाई और दूसरे स्थान पे, तो यहां लिखे ई सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, बाया लिखा है ना, दूसरे स्थान पे, एवं ए के दाई और दाई दूसरे स्थान पे, मतलब ई सेकंड राइट ऑफ ए, अब ए यहां पे बैठा है राइट इस साइड, मतलब ई यहां पे बैठेगा, ठीक है, और एफ के ये सही है, मतलब ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। आगे एच और सी, एवं एच और सी के बीच में बैठा हुआ है, मतलब
एच और सी के बीच में बैठा हुआ है, तो ये ई जो है एच और सी के बीच में है, तो यहाँ पे जी चला जाएगा, एच और सी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कंफर्म सही हो गया कि अब हम लोग को पता चल गया जी कहाँ होगा सी कहाँ होगा। अब उसके बाद डी जी के बाई और दूसरे स्थान पे, डी जी के बाई और दूसरे स्थान पे, बाया मतलब लेफ्ट साइड, डी यहाँ पे ही हो जाएगा, तो एक आदमी बच गया ए बी, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आठवां आदमी को बैठा लिया। अब देखिएगा इस पे आधारित क्वेश्चन को देखिएगा, गलत बिल्कुल नहीं है, सही है। बी बिल्कुल, बी के बिल्कुल दाई ओर लगातार कौन तीन मित्र है, बी के बिल्कुल दाई ओर, बी के बिल्कुल दाया, दाया मतलब कहाँ होता है, दाया मतलब राइट, लगातार जी ए सी, देखे तो जी ए सी पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी और जी के बीच में कौन है, डी और जी के बीच में बी बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डी का पड़ोसी कौन है, डी का पड़ोसी कौन है, तो बी और एफ हो जाएगा, बी और एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन पे है, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है उसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, ठीक है। तो छह व्यक्ति है, एक स्ट्रेट लाइन पहले बनाना होगा छह व्यक्ति को बैठाने के लिए। छह व्यक्ति है एक कतार में बैठे हुए, के भी और आर के बीच में है, तो यहाँ पे तो क्या कीजिए, के यहाँ या तो भी होगा नहीं तो आर होगा, दोनों का पोजीशन अभी चेंज भी हो सकता है। के भी और आर के बीच में है तो दो पोजीशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह है यहाँ पे आर और भी, ठीक है, दो कंडीशन। अब भी एम के बगल में है, भी एम के बगल में है, एम या तो यहां हो जाएगा नहीं तो यहां हो जाएगा। एम के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाई और बाई ओर है, मतलब एम के बगल में बी बैठा हुआ है, एम के बगल में है, एम बी के बगल में बैठा हुआ है, एम बी के बगल में बैठा हुआ है, एम बी के बगल में बैठा हुआ है। अब इसके बारे में क्या बोला गया है कि जो जो एकदम बाई ओर है, मतलब ये वाला गलत हो गया, ये वाला देखिए एकदम लेफ्ट साइड है, ये साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। उसके बाद और क्यू पी के बगल में बैठा है, क्यू पी के बगल में बैठा है, क्यू पी के बगल में बैठा है, तो ये तो ज्यादा आदमी हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे पी और क्यू को बैठा लीजिए अलग से, दोनों का पोजीशन चेंज भी हो सकता है, क्योंकि पी और क्यू होगा या क्यू और पी होगा ये हम लोग को नहीं पता है। तो यहाँ देखिएगा बी के बगल में कौन बैठा है, तो बी के बगल में या तो के या एम बैठा हुआ है, तो एम और के ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। 23 विद्यार्थी, छह 23 में देखिएगा, छह विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ एक कतार में बैठे हुए हैं, तो एक लाइन खींच लीजिए ऐसे करके, और उसके बाद देखिएगा कि बी एफ के, एफ और डी के बीच में है, तो बी जो हो जाएगा एफ और डी के बीच में है, तो दो कंडीशन ले लीजिए कि गलत होगा, तो एक कंडीशन तो कम से कम सही होना चाहिए, ठीक है। एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, तो इसको अभी फिलहाल नहीं बैठाएंगे, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि कहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए एफ या डी के बगल में नहीं है, मतलब ए का रिलेशन या तो एफ के साथ नहीं है नहीं तो डी के साथ भी नहीं है। उसके बाद एफ या डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में है, सी डी के बगल में नहीं है, सी का रिलेशन डी के साथ नहीं है, ठीक है, सी का रिलेशन डी के साथ नहीं है, तो बताया कि एफ निम्न में से किस जोड़े के बीच में है। अब सी का रिलेशन डी के साथ नहीं है, ठीक है, और ए का रिलेशन एफ और डी के साथ नहीं है, तो सी मान लीजिए यहां पे हो सकता है और ई यहां पे हो सकता है, ई यहां पे हो सकता है, ऐसे तो एक पोजीशन बनेगा, ठीक है, और इसमें भी बन जाएगा वही चीज, हम मुझे जहां तक लगता है यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा, ऐसा करके बन सकता है, मतलब दोनों कंडीशन में ये तो सही बैठ रहा है,
तो एफ निम्न में से किन जोड़ों के बीच में है, तो एफ जो है निम्न में से किन जोड़ों के बीच में है, तो बी और सी हो जाएगा। दोनों देखेंगे तो एफ जो हो जाएगा बी और सी ही के बीच में है, ठीक है। तो बी और सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों कंडीशन से ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, पांच लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके बैठी है, मतलब पूरब का मतलब क्या होता है, नॉर्थ होता है, पूरब का मतलब भी क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो आपको पूरब नहीं बैठाना, आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है ऐसे और नॉर्थ मान के चलना है। पश्चिम का मतलब साउथ होता है, ठीक है। पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है सविता, उषा, तुलसी, उर्मिला। सविता, उषा, तुलसी, उर्मिला के बाई ओर है, बाया मतलब लेफ्ट साइड। सविता यहाँ पे है, सविता SB यहाँ पे, उषा उषा तुलसी उर्मिला, ठीक है। ऐसे करके अभी फिलहाल हमने लिख लिया। और उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाई ओर है, कुमुद मतलब कुमुद के लेफ्ट साइड है, ठीक है, कुमुद के लेफ्ट साइड है। तो ये तो हमने बना लिया, तो ये लगता है कि पांचों को हमने बैठा लिया है, शायद पांचों को हमने बैठा लिया बहुत ही आसानी से। अब देखिएगा, यदि तुलसी बाई ओर से चौथे स्थान पे है, तुलसी बाई ओर से चौथे स्थान पे है, तुलसी बाया साइड से चौथे स्थान पे है, तो यहाँ पे एक दो तीन चार यहाँ पे उर्मिला हो सकती है, बाया साइड से उषा तुलसी, यदि तुलसी बाया साइड से चौथे स्थान पे है तो उषा दाई ओर से किस स्थान पे, एक लाइन छूट गया था, उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में, उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में। तो देखिए उषा और तुलसी के बीच में उर्मिला बैठी है, तो अब सही बैठा है। अब देखिएगा, अब पूछा गया है कि तो उषा दाई ओर से किस स्थान पे है, तो उषा दाई ओर से मतलब एक दो तीन चार राइट साइड से चौथे स्थान पे है, तो फोर्थ फ्रॉम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगी उषा, ठीक है ना। उषा का हमने पोजिशन निकाल लिया। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हमने दोस्तों बना लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया। 25 से 29 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा चार क्वेश्चन है, ठीक है। नौ मित्र हैं एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं, ठीक है, नौ मित्र हैं एक बेंच पे एक कक्षा में बैठे हुए हैं। तो इससे भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, तो इसे भी बनाइए, ठीक है। नौ मित्र है यहाँ पे, सी जो डी के दाई ओर है, सी यहाँ पे हो गया डी के दाया साइड मतलब राइट साइड, मान लीजिए डी यहाँ पे हो जाएगा, डी के राइट साइड है, वही ई के दाई ओर तीसरे स्थान पे, मतलब ई के राइट साइड तीसरे स्थान पे सी है, ये दिख रहा है आप लोग को। ई मान लीजिए यहाँ पे हो गया, एक दो तीन तीसरे स्थान पे सी बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके हमने बैठा लिया। दाया मतलब राइट होता है, ये याद रखिएगा। बी एक छोर पे बैठा है, मतलब बी मान लीजिए कि कहीं यहाँ पे बैठा है, ठीक है, बी अंतिम छोर पे कहीं पे बैठा हुआ है। एच और एफ जी के निकटतम पड़ोसी है, मतलब एच एफ और जी का पड़ोसी है, ये तीनों कहीं एक साथ बैठेंगे, ठीक है। आगे आगे देखिएगा, इसी क्वेश्चन में आगे देखिएगा स्टेटमेंट, एफ बी के बाई ओर तीसरे स्थान पे, एफ है बी के बाई ओर, एक दो तीन, एफ यहाँ पे हो सकता है, अभी कितने लोग हैं, चार अभी यहाँ बैठ सकता है, तीन हो गया, ठीक है। एफ बी के बाई ओर तीसरे स्थान पे, ए एफ के बाई ओर है, ए एफ के बाई ओर है मतलब लेफ्ट साइड है, मतलब ए यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे जी हो सकता है, यहाँ पे एच हो सकता है। आदमी को देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ आदमी बैठ गए, तो अभी हमने सही बनाया हुआ यहाँ पे, तो एक आदमी जो बच जाएगा वो हो जाएगा आई, ठीक है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, एक आदमी जो बचा हुआ है ना, उसका नाम क्या है, आई है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आई भी था, जी एच के बाद आई है, तो आई को हमने बैठा लिया। अब इसमें क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है, उपयुक्त बैठने के क्रम में निरूपित के आधार पर सत्य है, तो यहाँ देखिएगा कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, मतलब बी एफ के दाए चौथे स्थान पे है, बी एफ के दाए यहाँ पे सी हो जाएगा। डी और एच के बीच में तीन व्यक्ति है, डी और एच के बीच में,
डी और एच के बीच में तीन व्यक्ति है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा समूह सी के बाई ओर बैठा हुआ है, तो सी के बाया साइड मतलब लेफ्ट साइड, ई आई डी, ठीक है, तो ई आई डी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हटाइएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी के अलावे दूसरे छोर पर कौन व्यक्ति है, तो ई बैठा हुआ है, ठीक है, तो ई देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी सी एफ हो जाएगा, ए का पड़ोसी या तो सी और एफ दोनों हो जाएगा। बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में कौन बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ए बैठा हुआ है, ये बीचों बीच में बैठा हुआ है ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो हमने 29 क्वेश्चन तक दोस्तों बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, 30 में पूछा गया कि छह खिलाड़ी पुनीत, रितेश, शरीफ, जाहिर, युवराज और सौरभ दो कतार में, प्रत्येक कतार में तीन तीन का समूह है, मतलब है यहाँ पे पैरेलल लाइन जो मैंने बताया था, एक साउथ देखेगा एक नॉर्थ देखेगा, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, तीन तीन करके ऐसे करके बैठे हैं, तीन यहाँ पे तीन उसके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि सौरभ रितेश के विकर्ण में बैठा हुआ है, अब कोई भी कैसे भी बैठ सकता है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक तीन आमने सामने बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कोई भी किसी रो में बैठ सकता है, क्योंकि किसी के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कौन किस रो में बैठेगा, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो मान लीजिए कि सौरभ यहाँ पे है, ठीक है, बोला गया कि सौरभ रितेश, मान लीजिए रितेश के डायगोनल है, तो रितेश यहाँ पे हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, डायगोनल ही बैठा हुआ है। आगे रितेश शरीफ के सामने है, रितेश शरीफ के सामने है, शरीफ एस आर के सामने है, युवराज रितेश का पड़ोसी है, युवराज रितेश का पड़ोसी है, युवराज वाई पड़ोसी हो गया, पुनीत कतार में सबसे बाई छोर पर खड़ा है, पुनीत कतार में सबसे बाई, पुनीत यहाँ पे हो जाएगा, और एक आदमी बच गया जाहिर, तो सबको बैठा लिया। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, इस पे जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए निम्न में से कौन सा खिलाड़ी समूह के समूह में एक दूसरे के आमने सामने है, कौन सा खिलाड़ी समूह में एक दूसरे के आमने सामने है, तो इस क्वेश्चन के आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जाहिर और युवराज। देखिए जाहिर और युवराज एक दूसरे के आमने सामने है। आगे निम्न में से कौन सा खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, तो एक दूसरे के सम्मुख कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन से आप लोग मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, पुनीत और युवराज, पुनीत और युवराज जो है एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, पड़ोसी है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है, अगर पुनीत और रितेश अपने स्थान को बदल लेते हैं तो रितेश के ठीक बाय कौन सा होगा, किसके किसके बीच में, पुनीत और रितेश, पुनीत पुनीत और रितेश, पुनीत और रितेश, रितेश यहाँ पे, पुनीत यहाँ पे। अब क्या पूछा गया है कि रितेश के ठीक बाया मतलब ठीक लेफ्ट इस साइड होगा, ये लेफ्ट होगा, तो कौन होगा, तो युवराज होगा, युवराज बैठा हुआ है ना, युवराज हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, तो 32 का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा डी। क्या पूछा गया है कि तो रितेश के ठीक बाई और कौन है, ठीक बाई और तो युवराज दिख रहा है, तो युवराज ही होना चाहिए ठीक बाई, अच्छा रितेश के ठीक बाया, तो रितेश के ठीक बाया कोई है ही नहीं, देखिए कंफ्यूज हो गया था मैं भी, कंफ्यूज हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई बैठेगा ही नहीं, सबसे कोना पे तो वही बैठा हुआ है लेफ्ट साइड। नीचे दिए कथन का सत्य आपको बताना है, मतलब कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, तो यहाँ देखिएगा पुनीत युवराज के बाई और बैठा हुआ है, पुनीत युवराज के लेफ्ट साइड बैठा हुआ है, इस साइड जा रहा है ना, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पे आपने जब क्वेश्चन बनाया तो आपको ध्यान भी देना होगा कि आप कहीं गलत ना कर दें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में छह लड़के हैं, सेम पहले क्वेश्चन जैसा है, तीन तीन करके बैठे हुए हैं, आमने सामने मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा, तीन तीन करके ऐसे करके बैठा लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रमेश मितेश के ठीक बाय है, अब देखिए रमेश कहाँ बैठेगा मितेश कहाँ बैठेगा ये आप लोगों को पता नहीं है, रमेश मितेश के ठीक लेफ्ट है, ये बैठा लिया हमने लेफ्ट, परीक्षित चंदन के विपरीत खड़ा है, परीक्षित चंदन के विपरीत है, मान लीजिए कि परीक्षित यहाँ पे चंदन यहाँ पे इसके विपरीत हो गया, मान के चल रहे अभी गलत भी हो जाएगा,
उसके बाद जो पंक्ति में एकदम दाहिनी सिरे पे है, मतलब पंक्ति में कौन किसके बारे में कहा जा रहा है, चंदन एकदम दाहिने सिरे पे है, मतलब दाया मतलब राइट, तो ये साउथ है, तो साउथ में जो आपका लेफ्ट होगा वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये राइट सिरे पे है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, राइट सिरे पे है, दाहिने सिरे पे है, और मितेश के विकर्ण बैठा हुआ है, मितेश के विकर्ण है, देखिए मितेश के विकर्ण में बैठा हुआ है चंदन। तो उसके बाद अमित किसी सिरे पर स्थित नहीं है और ना ही मितेश के विपरीत खड़ा है, अमित किसी सिरे पे नहीं है, अमित किसी सिरे पे नहीं है ना ही मितेश के विपरीत पे है, तो अमित यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब। अब एक आदमी बच गया भूषण, तो मुझे सही लग रहा है कि सही मैंने बनाया यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बार और वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, भूषण के विपरीत कौन है, तो भूषण के सामने कौन है, मितेश, मितेश है ना, ऑप्शन नंबर बी। चंदन का पड़ोसी कौन है, चंदन का पड़ोसी हो जाएगा अमित। ठीक है, लड़कों का समूह एक पंक्ति में है, यहाँ देखिएगा चंदन रमेश मितेश गलत हो जाएगा, भूषण अमित रमेश गलत हो जाएगा, चंदन अमित भूषण, चंदन अमित भूषण, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से मिलाना है आपको, आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने, 36 37 बनाते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचे बचेगा इसका। ठीक है, भूषण अमित के, भूषण अमित किस ओर है, तो भूषण अमित, भूषण अमित के किस ओर है, तो अमित के ये किस ओर जा रहा है, देखिए तो ये राइट आपको दिख रहा है बट ये लेफ्ट है क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट हो जाएगा, तो देखिए तो बाया, ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे चौकोर क्रम, मतलब स्क्वायर टेबल यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो स्क्वायर टेबल के क्वेश्चन देखिएगा टाइप थ्री कैसा बनेगा, तो सबसे पहले स्क्वायर टेबल बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए या स्क्वायर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। पी क्यू आर ऐसे कैमरे में कैरम खेल रहे हैं, पी ऐसे और आर क्यू जोड़ीदार है, ऐसे आर के यहाँ पे चार लोगों को बैठा लीजिए, कैरम तो ऐसे ही खेलेगा। ठीक है, ये राइट साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड जाएंगे तो राइट और इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट। अब देखिएगा ऐसे आर के दाई ओर है जो कि पश्चिम दिशा, अब यहां दिशा भी आपको याद रखना होगा, मैं यहां दिखाता हूं दिशा को, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, अब यहां लिखा गया ऐसे आर के दाई ओर है जो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके है, मतलब पश्चिम दिशा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे एस के बारे में बोला जा रहा है कि ऐसे ऐसे आर के दाई ओर है जो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, एस के आर के दाई ओर है, मतलब आर यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है और ये पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठा है, मतलब दाया मतलब राइट, देखिए राइट है ना। आगे आगे क्या बोला गया है कि बता, ये पश्चिम दिशा हो गया, अब हम लोग को तो बन ही गया ये क्वेश्चन क्योंकि पार्टनर हम लोग को पता है कि पार्टनर कौन है, तो आर क्यू जोड़ीदार है, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि पी और एस जोड़ीदार है, यहाँ पे पी हो जाएगा, तो केवल एक लाइन हमने बैठा लिया, समझ लिया, तो हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब देखिए बताया कि क्यू का मुंह किसके तरफ है, तो क्यू का मुंह किसके तरफ हो जाएगा, साउथ, क्यू का मुंह क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, दिशा पूछा जा रहा था यहाँ पे, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिएगा कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़ना है, एक वर्गाकार है, टेबल है, जहां पे आपको 8 लोगों को बैठाना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो बनाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि वर्गाकार मेज है और दो दो करके बैठे हुए हैं, मतलब एक साइड पे दो आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए ये हमने बना लिया, दो आदमी दो आदमी दो आदमी और यहाँ पे दो आदमी, दो दो करके हमने बैठा लिया। समूह में 3 महिलाएं हैं, तो यहाँ साइड में लिख लीजिए 3 फीमेल प्लस में 5 मेल। ठीक है, 3 महिलाएं हैं और सी ई और बी के बीच में है, कहीं पे बैठेगा इसको लिख लीजिए, सी ई और बी के बीच में, अभी नहीं बैठा ये क्योंकि फंस सकते हैं कि किस साइड बैठेगा आप लोगों को नहीं पता है। डी एक महिला है जो कि एफ के बाई ओर है। ठीक है, अब एफ यहां बैठा लीजिए, इसके बीच में थोड़ा सा गैप लेते हैं, एफ के बाया साइड, क्या बोला गया, एफ के
डी एक महिला है जो कि एफ के बाई ओर है, एफ के बाई ओर है, ठीक है, मतलब कितना बाई है वो नहीं बताया गया, पर एफ के बाया साइड है। तो पहले हम फैक्ट को, जो डेटा है ना, उसको लिखते हैं यहाँ पे। सी ई और बी के बीच में, सी ई और बी के बीच में, ठीक है, सी ई और बी के बीच में, आगे सी ई और बी के बीच में है। डी एक महिला है जो एफ के, डी फीमेल है, तो यहां लिख लीजिए कि डी क्या है, फीमेल है, ठीक है, डी फीमेल है, एफ के बाई और दूसरी स्थान पे है, दूसरे स्थान पे ये लिखा गया है, तो एक दो लेफ्ट यही जाएगा, तो डी यहां पे हो जाएगा, और ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। आगे देखिए, बी जो पुरुष है ए के सामने बैठा हुआ है, बी जो पुरुष है ए के सामने बैठा हुआ है, ए के सामने, मान लीजिए कि बी को यहां बैठा ले, ठीक है, या बी को यहां बैठा ले, ए के सामने बैठा हुआ है मान के चले, तो अगर बी को बैठा लिए तो ई को भी बैठा सकते हैं ना, ई को बैठा लिए तो सी को भी बैठा सकते हैं, क्योंकि ये लाइन में बोला गया कि सी ई और बी के बीच में बैठा हुआ है। तो देखिए कितने अच्छे से हो गया, अगर हम लोग यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ डी बैठा हुआ था, वहां पे ई को नहीं बैठने देता, तो ये लाइन कंप्लीट किया हमने। उसके बाद और कुछ है इसमें डेटा लिखा है, बी एक पुरुष है, बी एक मेल है, तो इसको प्लस कर दीजिए, बी एक पुरुष है ए के सामने बैठा है जो महिला सदस्य है, मतलब ए जो है महिला सदस्य है, दो महिला हो गई यहाँ पे। अब एफ है एच और बी के बीच में, एफ है एच और बी के बीच में है, यहाँ पे एफ है एच और बी के बीच में है, तो बी यहां बैठा है, एच यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, एच अब दिख रहा है। उसके बाद बी और ई के बीच में एक महिला है, बी और ई के बीच में एक महिला है, मतलब सी महिला है, तीन महिला हो गई, एक दो तीन महिला, बाकी सब मेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन दोस्तों अच्छा था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बी के तुरंत बायो साइड, मतलब तुरंत लेफ्ट साइड कौन है, तो बी के तुरंत लेफ्ट साइड कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा एफ, मतलब सी हो जाएगा, ठीक है, एफ बैठा हुआ है। आगे ए और डी के बीच में कौन है, डी और ए के बीच में, डी यहाँ पे, ए यहाँ पे है, यहाँ पे एक बच गया था जी, तो जी बैठा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 40 भी देख लिया, क्वेश्चन नंबर 42 41 देखिएगा, कौन सी महिला सदस्य समूह में है, तो कौन सी महिला सदस्य समूह में है, तो महिला सदस्य अगर हम लोग लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे महिला सदस्य लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं महिला सदस्य, तो डी है, एक एक ए दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है, तो डी डी ए सी, तो देखिएगा ए डी सी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है। आगे लिखिएगा जी और बी के मध्य कितने लोग हैं, जी यहाँ पे, बी यहाँ पे और जी यहाँ पे, तो एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब तीन लोग बैठे हुए हैं, तो देखिए तो तीन लोग दिया हुआ है, तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, तीन लोग ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन दोस्तों हमने देख लिया यहाँ पे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट में, वो हमने टाइप वाइज देख लिया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रश्न में दिया गया है कि दिया गया है जिसके बाद दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, पहचान करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त तो होगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है ए बी पी ओ डी एक सर्कल में खड़े हैं, ओ और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग बना भी लेंगे, सर्कुलर बोला गया मतलब वृत्त बोला गया है, ठीक है, यहाँ वृत्त बोला गया ना, एक सर्कल मतलब वृत्त हो गया, तो वृत्त अगर बोला गया पहले क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन टाइप वन है, ये पहला क्वेश्चन टाइप वन, अगर सर्कल बोला गया ऐसे करके, ठीक है, सर्कल अगर ऐसे करके बोला गया है, और बोला गया है कि कितने आदमी है, ए पी पांच आदमी है, एक दो तीन चार, ये पांचवा आदमी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, पांच आदमी को बैठा लिया,
अब बोला गया कि ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है। अब यहाँ किसी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, केवल पूछा गया कि ओ और पी के बीच में कौन है, तो ये बताना मुश्किल है, ठीक है, ये बताना मुश्किल है, ठीक है ना, अभी तो बताना मुश्किल है ओ और पी के बीच में कौन है, बट स्टेटमेंट दो आपके पास दिया गया है, पी डी से आगे है। अब यहाँ देखेंगे पी डी से आगे है, मान लीजिए कि आगे का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इस साइड लेके चल रहे हैं पी डी से आगे है, तो P यहाँ पे हो जाएगा, D यहाँ पे हो जाएगा, ये आगे हो गया, ठीक है, मान लिए ये आगे हो गया। उसके बाद बोला गया कि A D के दाई ओर खड़ा है, A D के राइट साइड, A D के राइट साइड है। अब अगर हम लोग डायरेक्शन लेके चले, अब यहाँ बताया भी नहीं गया है कि इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा, सबसे पहले तो ये नहीं बताया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले से भी नहीं बता सकते, दूसरे से भी नहीं बता सकते, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है, डेटा क्या है, अपर्याप्त है। आप पे दोनों का यूज कर लीजिएगा ना, दोनों कथन का भी यूज कर लीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता पाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ओ के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। अगर मान लीजिए कि हम आउटसाइड या इनसाइड भी मान लेते हैं और ए को यहाँ बैठा देते हैं, तो ओ कहाँ पे बैठेगा, तो इसका तो फिक्स है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और कथन दो अपर्याप्त है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं बना सकते दोनों कथन का यूज करके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया आपसे कि पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और ऐसे अवस्थित रूप से एक वृत्ताकार एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, एक सर्कुलर टेबल में एक दूसरे के सामने मुख करके बैठे हुए हैं, निम्न जानकारियों पर उन पर आधारित नीचे दिए गए सवालों को विचार करना आपको, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इन सभी को एक सर्कुलर टेबल में बैठा देना है, क्वेश्चन नंबर टू में इन सभी को सर्कुलर टेबल में बैठा देना, तो हम क्या करते हैं इन सभी को सर्कुलर टेबल में क्या करते हैं बैठा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा वाई ठीक है क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है, तो पहले काउंट कीजिए कितने आदमी है, तो पहले काउंट करेंगे तो आठ आदमी हो जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आठ आदमी को पहले बैठा लेते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन मैंने दिया होगा तो आप लोग इनसाइड मानिएगा, मतलब इनसाइड मान के चलेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे के सामने मुख करके बैठे हैं, मतलब इनसाइड ही बोला गया, ठीक है ना। अब देखिएगा वाई ठीक है क्यू और आर के बीच में है, क्यू और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, वाई बैठा हुआ है। मान लीजिए कि क्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वाई ठीक यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में है। अब P ना तो X का, मतलब P का रिलेशन ना तो X के साथ है ना ही Z के साथ है, तो इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि अभी P को हम बैठा नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, P का रिलेशन ना तो X के साथ है ना ही Z के साथ है, इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखिएगा Q के दाए Z बैठा हुआ है, Q के दाए Z बैठा हुआ है, मतलब दाया मतलब क्या होता है, दाया मतलब क्या होता है, राइट होता है, तो अगर हम लोग डायरेक्शन लेके चलेंगे तो मैंने क्या बताया था, ये राइट बताया था और ये क्या बताया था, लेफ्ट बताया था, ऐसे बताया था मैंने, तो क्यू के राइट कौन बैठा हुआ है, जेड बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हमने जेड को बैठा लिया, इसका मतलब यहाँ पे एक्स नहीं बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं बैठेगा, यहाँ पे पी नहीं बैठेगा, यहाँ पे पी नहीं बैठेगा, ठीक है, और पी और सब जगह बैठ सकता है, ठीक है। अब देखिएगा क्यू के दाएं जेड है, क्यू के दाए जेड है और एक्स के बाएं से वाई के दाए तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अंतिम वाले स्टेटमेंट को समझिएगा कि एक्स के बाएं से मतलब एक्स के लेफ्ट से, ठीक है, एक्स के लेफ्ट से वाई के दाए से तीसरे स्थान पे एस बैठा हुआ है, मतलब तीसरे स्थान पे बोला गया है ना, तो तीसरे स्थान पे बोला गया है कि एस बैठा हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए कि x को यहां बैठा लेते हैं और x के लेफ्ट से बोला गया, बाया मतलब लेफ्ट हो गया, एक दो तीन, मान लीजिए s यहां पे बैठा देते हैं, तीसरे स्थान पे s बैठा हुआ है और y के दाएं से तीसरे स्थान पे, y के राइट से तीसरे स्थान पे, एक दो तीन, तो देख लीजिए तीसरे स्थान पे, मतलब ये भी सही हो गया। कहने का मतलब क्या है, यहां पे मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, कहने का मतलब क्या है, एस थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स और एस, ठीक है, आपको दिख रहा है, थर्ड राइट ऑफ वाई, ये चीज बोला गया था, तो ये दोनों हमने क्या किया, फुलफिल कर दिया। अब देखिए पी के बारे में क्या बोला गया है, पी एक्स के बगल में नहीं बैठेगा, जेड के बगल में तो बैठेगा ही नहीं, तो पी यहां पे बैठ जाएगा
और W यहाँ पे बैठ जाएगा, अकेला बच गया W। तो हमने जितने भी लोग थे उनको बैठा लिया। अब इनके आधार पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, X से डैश के बीच में बैठा हुआ है, तो X किसके बीच में बैठा हुआ है? X से W और R के बीच में बैठा हुआ है, तो X से W और R के बीच में बैठा हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। W और R के बीच में कौन बैठा हुआ है? X बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि S के बाय कौन बैठा हुआ है? S के बाय कौन सा बैठा हुआ है? तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, S के बाया मतलब लेफ्ट होता है, बाया मतलब लेफ्ट होता है, किसके बाया? S के बाया। ऐसे यहां पे बाया जाएंगे हम लोग तो लेफ्ट जाएंगे ना, बाया मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, तो Z बैठा हुआ है। तो देखिए सही आंसर आपका दिया हुआ है Z, ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। कौन बैठा हुआ है? Z बैठा हुआ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हमने बना लिया। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा लीजिएगा पर्सन को, तो ये क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ है तो W किसके बाएं बैठा होगा, ठीक है। यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर तरफ होंगे तो अगर आउटसाइड हो जाएंगे, अभी तो हमने मान के चला कि इनसाइड है, अगर इनके चेहरे बाहर के तरफ होंगे तो पूछा गया है कि W किसके बाएं बैठा होगा, तो W किसके बाएं बैठा होगा ये आप लोग को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो W कहां पे है? W यहां पे, ठीक है। और बाया मतलब क्या होता है? लेफ्ट होता है, तो बाया मतलब क्या होता है? लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट इस साइड हो रहा है अगर हम लोग सीधा चलते हैं, तो अभी X के लेफ्ट में है, तो अभी सही आंसर हो जाएगा P, मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, या तो X या तो P। अभी देखेंगे, नॉर्मल देखेंगे तो X के लेफ्ट में W बैठा हुआ है, बाद में अगर इसको आउटसाइड कर देंगे तो P के लेफ्ट में W हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? P हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, P के लेफ्ट में। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बना लिया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में एक और नया सेटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ देखिएगा 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब इनसाइड है। ई किसके बीच में बैठा हुआ है ये आपको बताना है। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पे, इन तीनों का यूज करके बताना है कि ई किसके बीच में बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, पहले पुराने वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, और अगला क्वेश्चन देखिए, पहले एक सर्कल बना लीजिए, ऐसे करके हमने एक सर्कल बना लिया। यहाँ पे 5 लोगों को बैठाना है, तो 5 लोगों को बैठा लीजिए, 1, 2, 3, 4, ये पांचवा आदमी हो गया, ठीक है। अब यहाँ बोला गया कि ए के बी के बाय, बी के बाय और ए के दाए एक व्यक्ति है। अब ये तो हो ही सकता है, दाए और बाय एक व्यक्ति होगा ही होगा, क्योंकि बैठा रहे तो डी बी के दाए बैठा हुआ है। डी दिख रहा होगा, डी दाए मतलब राइट ऑफ बी, यही बोला गया, डी राइट ऑफ बी। उसके बाद ए ई के, ए ई और सी के बीच में बैठा हुआ है, ए ई और सी के बैठ में बीच में बैठा हुआ है। तो अब यहां देखेंगे बी डी राइट ऑफ बी, तो डी राइट ऑफ, ये राइट हो रहा है ना, तो बी डी, और यहां पे मान लीजिए ए। अब यहां पे या तो ई और सी होगा, या तो यहां पे ई और सी होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब इनसे आप नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा सही है, ठीक है, ये दोनों में डाउट है। यहां दो कंडीशन बन गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? तथ्य जो है अपर्याप्त है, जो डेटा दिया गया, गिवन डेटा, उससे आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए निर्देश जो आपको दिया गया ना, उनको पढ़ना है, और तीन प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, विनोद विनोद विनय विकास वासु वैभव अरुण, नहीं वरुण लिखा हुआ है, विशाल एक वृत्त के चारों तरफ के मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। वासु विकास के दाएं तीसरे स्थान पे, तो यहाँ देखिएगा मैंने लिखा हुआ है वासु थर्ड राइट ऑफ विकास, विकास है ना, वासु विकास के दाएं तीसरे स्थान पे मैंने लिख लिया, ठीक है। इसी तरह आपको डेटा को पहले लिखना है, वासु विकास के दाएं तीसरे स्थान पे, वरुण विनय के बाएं दूसरे स्थान पे, देखिए वरुण वी आर सेकेंड लेफ्ट ऑफ विनय। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया और विशाल के दाएं दूसरे स्थान पे, मतलब वरुण सेकेंड राइट ऑफ विशाल। उसके बाद लिखा गया है कि वैभव विनोद के दाएं तीसरे स्थान पे, वैभव थर्ड राइट ऑफ विनोद। उसके बाद देखिएगा वरुण निकटतम पड़ोसी नहीं है,
मतलब वैभव का वरुण निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, ठीक है। तो इनको आप बैठा लीजिए, तो एक आदमी यहाँ बैठा है, एक आदमी उसके सामने बैठा है, उसके बाद एक आदमी यहाँ बैठा है, उसके सामने एक आदमी यहाँ बैठा है, एक आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है। अब इसके सामने एक आदमी बैठा लिए, ठीक है। अब इनको बैठाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, वासु, थर्ड राइट ऑफ विकास। तो वासु, मान लीजिए वासु विकास को बैठा लेते यहाँ पे, विकास, ठीक है, ये विकास हो गया। वासु जो है थर्ड राइट ऑफ विकास, तो विकास को पहले फिक्स किए, थर्ड राइट जाना है, तो ये हमने बताया था राइट होगा, तो एक दो तीन यहाँ वासु हो जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा, वासु हो जाएगा, ठीक है। वासु को हमने बैठा लिया, उसके बाद बोला गया यहाँ पे सेकंड में वरुण, सेकंड लेफ्ट ऑफ ए विजय, विनय, तो विनय को कहीं बैठाना होगा। मान लीजिए विनय को यहाँ पे बैठा लेते, विनय को यहाँ बैठा लिए, अब वरुण सेकंड लेफ्ट ऑफ, तो ये राइट है, तो वरुण कहाँ चला जाएगा, सेकंड लेफ्ट ऑफ, मतलब इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो राइट होगा, और इस साइड नीचे की तरफ आएंगे तो लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे वरुण हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से मैंने लाइन खींच दिया, यहाँ पे वरुण हो जाएगा। अब इसके बाद वरुण वाला एक लाइन कंप्लीट किया, वरुण सेकंड राइट ऑफ विशाल, विशाल है ना, वरुण सेकंड राइट ऑफ विशाल, तो विशाल को यहाँ पे बैठा लीजिए, विशाल सेकंड राइट, इस साइड जा रहे हैं तो राइट हो रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। वैभव थर्ड राइट ऑफ विनोद, अब वैभव थर्ड राइट ऑफ विनोद, विनोद को चलिए यहाँ पे बैठा लिए, विनोद को यहाँ बैठा लिए, थर्ड राइट जाना है तो यहाँ सामने हो जाएगा सीधा वैभव, थर्ड राइट है ना, एक दो तीन राइट इस साइड होगा वैभव, ठीक है, वैभव थर्ड राइट ऑफ विनोद, अब ये हो गया। अब देखिए वैभव और वरुण का रिलेशन नहीं है, तो वरुण यहाँ पे है, वैभव यहाँ पे है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने यहाँ पे सबको बैठा लिया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम कैमरा इधर साइड करते हैं तो दिख जाएगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने लिख लिया यहाँ पे, और सिटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिएगा इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए एग्जाम में। विनोद के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो विनोद के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, विकास बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए विनोद यहाँ पे बैठा हुआ है, विनोद कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। दाया मतलब क्या होता है, राइट होता है, दाया मतलब क्या होता है, राइट होता है, ठीक है, दाया मतलब राइट, और कौन से स्थान पे बोला गया, दूसरा स्थान पे, तो राइट एक दो, एक दो मतलब विकास बैठा हुआ है, ये पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं, वरुण के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ था, वरुण के बाएं तीसरे स्थान पे, वरुण कहाँ पे, वरुण यहाँ पे, बाया मतलब होता है लेफ्ट, तो बाया मतलब लेफ्ट होता है, तो एक दो तीन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैभव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सात का सही आंसर क्या हो जाएगा, वैभव हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैभव हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आठ को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आठ में पूछा गया है कि विकास के तुरंत दाएं कौन सा बैठा हुआ है, विकास कहाँ पे बैठा है, सबसे पहले ये वरुण है, विकास कहाँ बैठा हुआ है, विकास यहाँ पे बैठा हुआ है, और विकास के तुरंत दाएं मतलब विकास के तुरंत राइट मतलब वैभव बैठा हुआ है, तो वैभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आठ का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आठ का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब वैभव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, एक बार क्वेश्चन बना लेंगे तो आपके तीन नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ नया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया। अब देखिए, अब पूछा गया है कि तीन प्रश्न यहाँ भी दिए गए, छह सहकर्मी एक वृत्त के में बैठे हुए, उनके चेहरे वृत्त के मध्य भाग की ओर है, मतलब सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर डायना, पुष्कर और पद्मा के बीच में है, प्रियंका, महेश और लक्की के बीच में है, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक सर्कल बना लीजिए, ऐसे करके हमने एक सर्कल बना लिया। अब इसमें सबको बैठाते हैं, छह आदमी को बैठाना है, तो एक दो तीन चार पांच छह, हमने सामने हमने बैठा दिया सभी पर्सन को, छह आदमी को जब भी बैठाना होगा तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया उसको देखिएगा, डायना, पुष्कर और पद्मा के बीच में है, डायना, पुष्कर और पद्मा के बीच में है, ठीक है। तो डायना, पुष्कर और पद्मा के बीच में, मान लीजिए कि डायना को हमने यहाँ बना लिया, डायना, पद्मा को पी ए डी लिख लिया, पद्मा, और पुष्कर को मान लीजिए पुष लिख लिया, ठीक है, पुष्कर को हमने पुष्कर पुष लिख लिया, ठीक है। तो डायना, पुष्कर और पद्मा के बीच में है, किसी तरह भी बैठा सकते हैं इनको, कहीं भी फ्री है। तो उसके बाद यहाँ पे
प्रियंका महेश और लकी के बीच में है, प्रियंका महेश और लकी के बीच में। अब प्रियंका मान लीजिए यही पे होगी कहीं पे, प्रियंका ठीक है, मान लीजिए कि महेश यहाँ पे है और लकी आपका यहाँ पे है, ठीक है। अभी चेंज भी हो सकता है। अब देखिए पुष्कर और महेश एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये तो क्लियर हो गया कि पुष्कर यहाँ पे है तो महेश भी यहाँ पे होगा। पुष्कर और महेश एक दूसरे के आमने सामने है, तो पूरा स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो आप सही से सेट कर लीजिएगा और आप आसानी से बैठा सकते हैं इनको, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें इन पे आधारित क्वेश्चन, महेश का पड़ोसी कौन है, तो महेश कहाँ पे, यहाँ पे, तो प्रिया प्रियंका, ये प्रियंका है ना, प्रियंका और पद्मा। महेश का पड़ोसी कौन है, प्रियंका और पद्मा, तो दिया हुआ है ना ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, नाइन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाइन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, नाइन का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन को देखेंगे। यहाँ पूछा गया पद्मा के बिल्कुल दाई ओर कौन बैठा हुआ है, मतलब पद्मा के बिल्कुल राइट साइड कौन बैठा हुआ है, तो महेश बैठा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महेश है, और महेश दिया नहीं है। पद्मा के बिल्कुल दाई ओर कौन बैठा हुआ है, तो दाया साइड, मतलब राइट साइड ही बोला गया ना, दाया साइड कौन बैठा हुआ है पद्मा के, तो ऑप्शन नंबर ए डायना। पद्मा यहाँ पे, ठीक है। अब या तो यहाँ पे राइट, तो यही होता है जहां तक मुझे पता है कि यहां तक राइट होता है, या तो लेफ्ट पूछा गया है, तो हो सकता है क्वेश्चन गलत है, आंसर आपका दिया गया है डायना दिया हुआ है, ठीक है। तो डायना हो सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गलत पूछा होगा, क्योंकि ये क्या होता है राइट साइड होता है और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राइट साइड पूछा है तो महेश होगा पद्मा के, और लेफ्ट साइड पूछेगा तो डायना हो जाएगी। प्रियंका के सामने कौन बैठा है, तो प्रियंका के सामने डायना बैठी है, ठीक है। प्रियंका के सामने कौन बैठा होगा, तो डायना। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, प्रियंका के सामने हो जाएगी डायना, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन एक नया सिटिंग अरेंजमेंट है, तो उसको भी देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो सभी प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है यहाँ पे। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ भी तीन क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टॉली, तुहिन, उजाला, वरुण और वहीदा, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, इनके इर्द गिर्द सभी अगल बगल बैठे हुए हैं। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाय, लेकिन तुहिन या स्टॉलिंग का पड़ोसी नहीं है। उजाला कुतुब का के तुरंत दाएं, वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा हुआ है। तो इनको अब बनाइए, देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना लिए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, केंद्र की ओर आमने सामने मुख करके बैठे हुए हैं। तो जिस प्रकार का रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम टच कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा आगे। अब आगे देखिएगा, अब आगे इसमें जो लिखा हुआ है उस चीज को देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कितने आदमी है पहले काउंट कीजिएगा। तो यहाँ आदमी को काउंट कीजिएगा तो आठ आदमी है, तो आठ आदमी को पहले बैठाइए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ आदमी को बैठा लिया हमने, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, ठीक है। वहीदा मान लीजिए प्रेरणा यहाँ पे, वहीदा मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, ये हमने बैठा लिया, ठीक है ना। अब देखिएगा वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, लेकिन तुहिन या स्टॉलिन का पड़ोसी नहीं है, मतलब जो वहीदा है इसके अगल बगल तुहिन या स्टॉलिन नहीं बैठेगा, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना, तुहिन और स्टॉलिन नहीं बैठेगा। उसके बाद उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, उजाला कुतुब के तुरंत बाएं है, मान लीजिए कुतुब यहाँ पे है जो भी है, और उजाला यहाँ पे, ठीक है, उजाला को हमने यहाँ बैठा दिया, तुरंत दाएं बैठा हुआ है, या तो उसको चाहे तो जो भी स्टेटमेंट लिखा उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद भी बैठा सकते हैं आप लोग। उसके बाद उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा हुआ है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा हुआ है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा हुआ है। तो मान लीजिए कि तुहिन यहाँ पे, तुहिन यहाँ पे, वरुण मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा हुआ है, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में है। राहुल, अब देखिए तुहिन यहाँ पे है, राहुल यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, राहुल यहाँ पे बैठ जाएगा। अब एक आदमी कोई बच गया, स्टॉलिन बच गया, अब क्या बच गया, स्टॉलिन बच गया, तो स्टॉलिन को यहाँ पे बैठा लिया हमने, आठ आदमी को यहाँ बैठा लिया, और जो पहला लाइन लिखा हुआ था, लेकिन तुहिन या स्टॉलिन का पड़ोसी नहीं है, कौन, यहाँ पे
वहीदा, वहीदा के बारे में लिखा हुआ था, तो तुहिन यहाँ पे, स्टालिन यहाँ पे, वहीदा यहाँ पे है, तो इन तीनों में आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हमने सबको बैठा लिया। चलिए इसके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या पूछा गया है कि दिए गए जोरे में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से, यहाँ लिखा हुआ है दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है, ठीक है, पहले दूसरा व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है, मतलब राहुल प्रेरणा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ सीधा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उजाला और तुहिन को देखिए, उजाला और तुहिन इन दोनों को देखते हैं। तो यहां बोला गया है कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, दूसरा व्यक्ति ये हो गया, पहले व्यक्ति के दाएं से, पहले व्यक्ति के राइट से दूसरा हो जाएगा, तो उजाला यहाँ है, पहले व्यक्ति के राइट से दूसरा, राइट मतलब इस साइड जाएगा, मतलब ये तुहिन दूसरे नंबर पे है, सेकंड बैठा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, तो क्वेश्चन भी बना सकते हो। स्टॉलिंग किस स्थान पे, स्टॉलिंग किस स्थान पे, स्टॉलिंग यहाँ पे है। अब आपको क्वेश्चन में देखना होगा ऑप्शन नंबर ए, देखिएगा कुतुब के तुरंत बाएं है, अब कुतुब यहाँ पे लेफ्ट साइड है ना, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 13 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए, कुतुब के तुरंत बाएं है। आगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, तो सत्य कथन बताना है आपको, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो यहाँ पे सबको देखना होगा, मैं सीधा आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी दिया है, वरुण तुहिन के दाएं है, देखिए वरुण यहाँ पे है, वरुण वरुण यहाँ पे तुहिन के राइट है, तुहिन के राइट में बैठा हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है वहीदा के बाएं बैठा हुआ है, वहीदा के देखिए बाएं बैठा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड बैठा हुआ है, तो जो तीसरा ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14 का सी। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, देखिए पूछा गया है कि यहाँ पे तीन प्रश्न दिए गए आपको, एक साथ ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे बोला गया कि राधा, रेखा, राखी, रागिनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो एक सर्कल बना लीजिए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, रीमा रश्मि के बगल में नहीं बैठे हुए, रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, रीमा रश्मि के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो पहले आपको काउंट करना है कि कितने पर्सन बैठेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे लगभग 7 आदमी बैठे हुए हैं, तो 7 आदमी को बैठाइए, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, और ये 7वां आदमी यहाँ पे बैठ जाएगा, इसके सामने कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए रीमा राशि रश्मि के बगल में नहीं है, रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, राधा रागिनी के तुरंत दाएं है, राधा रागिनी के तुरंत दाएं है, रागिनी मान लीजिए यहाँ पे है, रागिनी, राधा यहाँ पे है, ठीक है, राधा दाएं मतलब तुरंत लेफ्ट है, दाया मतलब राइट है, राइट इस साइड जाएगा तो राइट होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन राइट का होता है, राइट है। उसके बाद रेखा रीमा के बाई और दूसरे स्थान पे है, रेखा रीमा के बाई और दूसरे स्थान पे है, रेखा रीमा मान लीजिए यहाँ पे है, रीमा के बाई और मतलब लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पे है, तो रेखा यहाँ पे हो जाएगी, रेखा रीमा के बाई और दूसरे स्थान पे है, उसके बाद दूसरे स्थान पे है, रेखा रीमा के बाई और दूसरे स्थान पे है, राधा रेणु के दाई रेणु को बाई और तीसरा स्थान पे, राधा राधा रेणु के दाई और तीसरा स्थान पे, राधा रेणु के दाई और 1 2 3 रेणु के दाया, दाया मतलब क्या होता है, दाया लिखा हुआ है कि बाया लिखा हुआ है, बाया लिखा हुआ है, बाया मतलब लेफ्ट, तो इस साइड मैंने क्या बताया, लेफ्ट बताया, और इस साइड क्या बताया, राइट बताया, ठीक है, तो ये सही है, ये बैठा लिया हमने।
और राधा रेणु के बाई और तीसरे स्थान पे, तो ये तो हो गया। अब एक स्टेटमेंट और बच रहा है यहाँ पे, रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे रश्मि हो जाएगी, ठीक है, और रीमा यहाँ पे, दोनों अगल बगल नहीं है। उसके बाद यहाँ राखी हो जाएगी, एक बच गई राखी, तो यहाँ राखी हो जाएगा, ठीक है, सबको हमने बैठा लिया। अब इस पे आधारित क्वेश्चन को देखिएगा क्या पूछा गया। निम्न व्यक्तियों के जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं सीधा बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे मैं लिखूं, मेरे पास जगह है, 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 का सी क्यों हो जाएगा, देखिएगा, रीमा और राखी, क्या लिखा गया है, रीमा और राखी, ठीक है, रीमा और राखी लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाय बैठा हुआ है, मतलब दूसरे के तुरंत बाय, बाया मतलब क्या होता है, लेफ्ट। अब देखना होगा राखी यहाँ पे, राखी यहाँ पे, और पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत लेफ्ट है, तो ये देखिए रीमा ही तो बैठी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, रागिनी के बाय दूसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, तो रागिनी के बाय दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, ये आपसे पूछा है, रागिनी के बाय दूसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो रागिनी के बाय दूसरे नंबर पे आपको बताना है, तो रागिनी के बाय दूसरे नंबर पे, रागिनी कहाँ पे है, रागिनी यहाँ पे है, और बाया मतलब क्या होता है, बाया मतलब होता है लेफ्ट होता है, तो रीमा बैठनी चाहिए, रीमा ऑप्शन में है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, रीमा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के बीच में है, पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के बीच में है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बी, मतलब राखी रागनी और रीमा के बीच में है, राखी रागनी और रीमा के बीच में बैठी है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आसान है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, ठीक है, 18 भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, देखिएगा, 6 बच्चे एफ आर आई एम ई और एस वृत्ताकार वृत्ताकार एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मतलब सर्कुलर टेबल में एक दूसरे के सामने बुक करके बैठे हुए हैं, अब इनको बैठाना है, ठीक है, तो हम यहाँ बनाते हैं सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, यहाँ बनाते हैं एक सर्कल, और यहाँ 6 व्यक्ति को बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति को बैठा लिया हमने। अब यहाँ पे आई एफ के तुरंत दाए बैठा हुआ है, मतलब आई तुरंत राइट बैठा हुआ है एफ के, तो कहीं भी एफ को बैठा दीजिए, एफ को यहाँ बैठा दिए, राइट आई यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा, जो बच्चा एम के तुरंत दाए तरफ बैठा है, तुरंत दाए तरफ है, वही एफ के तुरंत बाएं तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम और एफ के बीच में कोई बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब कोई बच्चा बैठेगा एम और एफ के बीच में, ठीक है, कुल मिला के यही बोला जा रहा है, उसको घुमाया गया, आर और ई के ठीक बीच एम बैठा हुआ है, आर और ई के ठीक बीच एम बैठा हुआ है, ठीक है, तो आर और ई के ठीक बीच एम बैठा हुआ है, तो एम यहाँ पे है, तो ई यहाँ पे होगा, ठीक है, आर और ई के बीच में ठीक एम बैठा हुआ है, तो ई और आर अभी भी अपना प्लेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी का प्लेस फिक्स नहीं है, आर और ई के बीच में एम बैठा हुआ है, ठीक है, फिर से क्वेश्चन को मिलाइए, और एक आदमी बैठ गया एस, एस को यहाँ बैठा लीजिए, ठीक है, अभी आर और ई में हमें डाउट है। अब देखिएगा, आई एफ के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, तो आई ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है पहले वाले में, जो बच्चा एम के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, वही एफ के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी सही है, आर और ई के बीच में एम बैठा हुआ है, तो ये दोनों अभी भी जगह को अपना चेंज कर सकते हैं, आर यहाँ भी बैठ सकता है, आर यहाँ भी बैठ सकता है, एम उसके बीच में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि यह पता है कि एफ के तुरंत बाय ई बैठा हुआ है, तो यहाँ क्लियर कर दिया कि एफ के तुरंत बाय ई बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये सही हो गया, तो डैश के ठीक बीच एस खड़ा है, तो एस किसके बीच में है, एस हो जाएगा आर और आई के बीच में, तो देखिए, तो आर और आई दिया हुआ ऑप्शन में, आर और आई पहला ऑप्शन हो जाएगा, आर और आई पहला ऑप्शन हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने बना लिया दोस्तों। 19 में देखिएगा, पूछा गया कि आर इनके ठीक बीच में खड़ा है, आर जो है किनके ठीक बीच में खड़ा है, एस और एम के ठीक बीच में खड़ा है, मतलब 19 का क्या हो जाएगा, 19 का
ए होना चाहिए, ठीक है, 19 का ए होना चाहिए, एस और एम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, किनके तुरंत बाएं तरफ आई है, किनके तुरंत बाएं तरफ आई है ये पूछा गया है, किनके तुरंत बाएं तरफ आई बैठा हुआ है, किनके तुरंत बाएं तरफ आई बैठा हुआ है। आई यहाँ पे है, बाया मतलब लेफ्ट होता है, ये जा रहा राइट एफ के, तो आंसर हो जाएगा एफ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए 20 का क्या हो जाएगा ए, एफ के तुरंत लेफ्ट आई बैठा हुआ है, किनके तुरंत बाएं तरफ, एफ नहीं होगा एस होना चाहिए, ठीक है। मैं देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मतलब लेफ्ट साइड देखा जाएगा तो ये इस साइड जाते हैं तो लेफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड कौन बैठा हुआ, आई बैठा है एस के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमने बना लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिलहाल हटा देते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है छह व्यक्तियों के सहयोग से एक वृत्त, छह व्यक्ति सहयोग एक वृत्त में बैठे हुए, मतलब सहयोगी है एक वृत्त में बैठे हुए चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल आपको बना लेना है, छह व्यक्ति को पहले बैठा लेना है ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है, डेल नाज, प्रेमजीत और तुसी के बीच में है, डेल नाज, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए डेल नाज है, प्रेमजीत है और तुसी के बीच में है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है प्रिया मोहित और लियोनार्डो के बीच में है, प्रिया मोहित और लियोनार्डो के बीच में है। तो प्रिया को कहीं तो बैठाना होगा ना, तो मान लीजिए प्रिया को यहां बैठा लिए, मोहित को यहां बैठा लिए, लियोनार्डो को यहां बैठा दिए, उसके बीच में, ठीक है। अभी कुछ भी चेंज हो सकता है, अभी हमने फिक्स नहीं बैठाया। प्रेमजीत और मोहित एक दूसरे के विपरीत है, प्रेमजीत ये प्रिया है पी आर वाई और ये प्रेमजीत है, प्रेमजीत और मोहित एक दूसरे के बीच में है, तो ये बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, तो अब सही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया के सामने कौन बैठा है, तो प्रिया के सामने डेलनाज जो भी है, क्या है डेलनाज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे तुसी के बिल्कुल दाएं कौन बैठा हुआ है, तुसी यहाँ पे बिल्कुल राइट जाना है, तो राइट डेलनाज बैठा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मोहित का पड़ोसी कौन है, मोहित का पड़ोसी आपको देखना है, तो मोहित का पड़ोसी है प्रिया और तुसी, जो भी है प्रिया और तुसी दिया हुआ है, तो देखिएगा प्रिया और तुसी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, मतलब 23 का। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोस्तों मुझे जूम करना होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए गए, आपको बताना है कि इन दोनों से बनेगा या नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ध्यान से आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ पुराने क्वेश्चन को, और नए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है, हम यहाँ पे बनाएंगे तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे कितने आदमी बैठ रहे हैं, 5 आदमी बैठ रहे हैं, ठीक है, 5 लोग बैठेंगे, तो 5 लोग को कैसे बैठाएंगे हम लोग, तो मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ पे, 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 ठीक है, ऐसे करके हमने बैठा दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ई किनके बीच में बैठा है ये आपको बताना है, पहले लिखा हुआ है कि बी के बाएं और ए के दाएं एक व्यक्ति है, मतलब कोई बीच में बैठा हुआ है, बी और ए, मतलब ए मान लीजिए यहाँ पे है, बी मान लीजिए यहाँ पे, बीच में यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे बी डी के दाएं है, मतलब बी डी डी राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, तो यहां पे डी हो जाएगा राइट ऑफ बी। उसके बाद ए ई और सी के बीच में है, ए ई और सी के बीच में है, ई और सी के बीच में कहीं भी बैठ सकता है, मान लीजिए ई यहां पे बैठ गया, सी यहां पे बैठ गया, ये दोनों अपने पोजीशन को फिलहाल चेंज कर सकते हैं, फिक्स पोजीशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे पूछा गया कि सही विकल्प चुने, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ई और सी का पोजीशन अभी फिक्स नहीं है, इन दोनों को हम कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो तथ्य है, जो डेटा है वो अपर्याप्त है, इनसे आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर डेटा आपके पास नहीं है। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा,
छह व्यक्ति है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूं या क्वेश्चन को बना लूं, पहले छह व्यक्ति है, पहले बना लेता हूं, ठीक है। देखिएगा, एक सर्कल मैंने बना लिया जो कि दिख रहा है आप लोग को, छह व्यक्ति है यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच छह, छह व्यक्ति हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, प्रत्येक छह व्यक्ति है, ये सर्कल सर्कल के चारों तरफ नहीं बैठे, ये एक हेक्सागन आपको बनाना होगा, ऐसे करके एक हेक्सागन आपको बनाना होगा, ठीक है। एक हेक्सागन हमने बना लिया, एक हेक्सागनल टेबल है, षष्ठकोण टेबल है, उसके कोने पर बैठे हुए छह व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, ठीक है। पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पे है, पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो मान लीजिए पंकज यहाँ पे, पंकज मनोरंजन के बाएं, बाया मतलब क्या होता है, बाया की दाया, मनोरंजन के बाएं मतलब लेफ्ट हो जाएगा, मनोरंजन तब यहाँ पे हो जाएगा, ये लेफ्ट होता है, इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट होगा, इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट होता है। तो मनोरंजन के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है पंकज। उसके बाद काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। रोहित मान लीजिए यहाँ पे, सनी मान लीजिए यहाँ पे, अभी चेंज हो सकता है, और काजी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। तरबेज सनी के बाएं दूसरे स्थान पे, तरबेज सनी के बाएं दूसरे स्थान पे, तरबेज तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए बिल्कुल लेफ्ट जा रहा है तो हमने सही बैठा है, लेफ्ट जा रहा है ना ये, तो सही है, दूसरे स्थान पे एक दो दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बैठ गया, कंप्लीट हो गया। अब इस पर क्वेश्चन, काजी के बाएं चौथे स्थान पे कौन बैठेगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, काजी के बाएं चौथे स्थान पे कौन बैठेगा, काजी के बाएं चौथे स्थान पे कौन बैठेगा। तो एक दो तीन, बाया बोला गया ना, बाया मतलब लेफ्ट होता है, और ये चार मतलब पंकज बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन में तरबीज के सामने कौन बैठा है, तरबीज के सामने कौन बैठा है, तो तरबीज के सामने काजी बैठा है, ठीक है, तरबीज के सामने काजी बैठा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पंकज का पड़ोसी कौन है, पंकज का पड़ोसी देखिए तो तरबीज और आर मतलब रोहित, तरबीज और रोहित मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो तीन क्वेश्चन हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट किया। अब दोस्तों टाइप थ्री क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा गया कि नौ संगीत के नौ प्रशंसक, मतलब संगीत के नौ प्रशंसक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हुए और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके नाम देख लीजिएगा, जैकब है, किंजल, लिपिका, मनोज, नीता, ओंकार, पद्मा, करीम और रवीज। लिपिका मनोज के तुरंत दाएं और नीता के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी हुई है, ठीक है। तो पहले एक पंक्ति ऐसे करके बना लीजिए जो कि आपको दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, ये पंक्ति हमने बना लिया। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिपिका मनोज के पहले नौ आदमी को बैठा लेते हैं, एक दो तीन चार, नौ आदमी को हमने बैठा लिया। अब यहाँ देखिएगा, लिखा गया पहला स्टेटमेंट है, लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है। मान लीजिए कि लिपिका को यहाँ बैठा लेते हैं, मनोज को यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है, मनोज के तुरंत दाएं है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, मनोज के तुरंत दाएं बैठी हुई है, दाया मतलब क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो लिपिका बैठ गई और नीता के दाएं तीसरे स्थान पे, नीता को यहाँ बैठा देते हैं, तो 1 2 3, तो लिपिका यहाँ तीसरे स्थान पे है नीता के राइट में। उसके बाद किंजल पंक्ति में अंतिम छोर पे है, किंजल मान लीजिए कि यहाँ पे बैठ जाती है, किंजल यहाँ पे है, किंजल पंक्ति में अंतिम छोर पे है, ठीक है। उसके बाद किंजल पंक्ति में अंतिम छोर पे है, करीम ओमकार और पद्मा दोनों के बगल में है। अब मान लीजिए कि पद्मा यहाँ पे है, करीम यहाँ पे है और ओमकार यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे मान लिए फिलहाल, क्योंकि यही एक जगह मुझे अच्छा लग रहा था जहां बचे हुए थे लोग बैठाने को, ठीक है, बगल में बैठा हुआ है, जबकि जैकॉब के तुरंत दाएं और किंजल के तीसरे, मतलब
किंजल से तीसरे स्थान पे, मतलब ओमकार यहां नहीं बैठ सकता था, और जैकॉब जैकॉब के तुरंत राइट साइड है। ठीक है, अब एक आदमी कोई बच गया, कौन हो जाएगा? रमीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबको हमने बैठा लिया, अब क्वेश्चन हम बना सकते हैं इस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। पूछा गया है कि किंजल पंक्ति के एक छोर पर है, तो दूसरे छोर पे कौन बैठा है? तो दूसरे छोर पे आपको दिख रहा है किंजल है, तो नीता, तो दूसरे छोर पे कौन है? नीता। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिएगा, लिपिका और ओमकार के मध्य केवल एक व्यक्ति है। लिपिका कहाँ पे? लिपिका यहाँ पे है, ओमकार यहाँ पे है, जिसके बीच में एक जैकब बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, इनमें से सही बताना था, बाकी सब गलत है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा हुआ है? तो पंक्ति के मध्य में जैकॉब बैठा हुआ है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 33 है, जैकॉब बैठा हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैकॉब। जो भी है देख लीजिएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेंज हो गया क्वेश्चन दोस्तों, ये भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, पांच चीज है, हल्दी, मिर्च, नमक है, चीनी, काली मिर्च है। पांच बोतल में एक पंक्ति में रखी गई है, क्रम में सजा के रखा गया है, बाया से लेफ्ट से दाएं। अब बीच में रखी बोतल ना काली मिर्च है ना ही मिर्च है, मतलब काली मिर्च भी नहीं है और मिर्च भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 34 होगा। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, और बीच में मान लीजिए एक दो और एक दो, पांच लोग, पांच बोतल के लिए मैंने जगह बना लिया। अब बीच में रखी बोतल ना तो काली मिर्च है ना ही मिर्च है, कोई भी मिर्च यहाँ बीच में नहीं आएगा। उसके बाद अंतिम से पहली वाली बोतल चीनी है, अंतिम से पहली वाली बोतल मतलब है ये शुगर हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। ठीक है, ये शुगर हो जाएगा मतलब चीनी हो जाएगा, या चीनी को सी ही लिखते हैं, हिंदी में लिखा गया तो सी लिख लेते हैं चीनी। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा गया चीनी है, अंतिम से पहली वाली बोतल चीनी है। ठीक है, तो हमने चीनी को बैठा लिया, अंतिम से बीच में रखी, ठीक है, अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, हल्दी ना मिर्च है। अच्छा, इसमें चीनी, हल्दी, मिर्च कोई नहीं आएगा, ये चीज बोला गया है। ठीक है, उसके बाद एकदम बाएं रखी बोतल ना तो मिर्च की है ना ही चीनी की है। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ जाएगा चीनी, ठीक है, चीनी, हल्दी, मिर्च, हल्दी, मिर्च, ये तीनों में से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज बोला गया है। पहले लाइन में क्या लिखा गया, बीच में मिर्च नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का मिर्च नहीं है। ठीक है ना, मिर्च नहीं होगा यहाँ पे। एकदम बाएं रखी बोतल ना तो मिर्च है ना ही चीनी है, एकदम बाई रखी बोतल ना तो मिर्च है ना ही चीनी है, मतलब इस साइड ये लेफ्ट हो गया, ना तो मिर्च है ना ही चीनी है। ठीक है, यहाँ मिर्च नहीं आएगा ना चीनी आएगा। अब बाएं से दूसरी बोतल में नमक है, बाएं से दूसरी बोतल में नमक है, नमक को एन लिख लेते हैं, बाया से लेफ्ट से दूसरा बोतल क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ देख रहा है, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये हमारा राइट, इस साइड हमारा लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे मिर्च नहीं होगा, तो मिर्च यहाँ पे जगह बच गया, कोई भी मिर्च के लिए यहाँ पे ही जगह बचेगा, काली मिर्च हो या कोई भी मिर्च हो, और यहाँ मिर्च हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मिर्च नहीं होगा, काली मिर्च हो सकता है, यहाँ पे काली मिर्च हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काली मिर्च हो गया, इसके बाद यहाँ पे मिर्च नहीं आएगा, तो यहाँ पे चीनी आ सकता है और यहाँ पे हल्दी आ सकता है। ठीक है, तो हमने सबको बैठा लिया यहाँ पे, नीचे में देखिएगा सबको बैठा लिया। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है कि चीनी बाएं से डैश बोतल में है, चीनी बाएं से, बाया से तीसरा बोतल में है, तो तीसरा देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया कि पहली बोतल में क्या है, तो पहली बोतल में हो जाएगा काली मिर्च, मिर्च, चीनी या हल्दी। तो पहली बोतल में हो जाएगा हल्दी हो जाएगा। ठीक है, पहली बोतल में क्या हो जाएगा, अगर यहां से देखेंगे पहली बोतल में तो मिर्च हो जाएगा, यहां से देखेंगे पहली बोतल में हल्दी हो जाएगा। तो आपका मिर्च दिया हुआ है ऑप्शन में, तो मिर्ची हो जाएगा। ठीक है, आंसर के हिसाब से मिर्च दिया हुआ है, तो मिर्च हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बना रहे हैं ना हम लोग, 35 में डी दिया हुआ है, देखिए हल्दी है ना, मैंने गलत बता दिया, यहाँ हल्दी होगा, पहली बोतल में हल्दी दिख रहा है। ठीक है, हल्दी सही है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एकदम दाई तरफ है की बोतल में डैश है, एकदम दाई तरफ, दाया मतलब क्या होता है, राइट, मिर्च है, तो मिर्च देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने बना लिया।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से, निम्न आर्टिकल में से उससे उस पर आधारित है, नीचे मतलब आपको देखना आर्टिकल एक दिया गया उसको पढ़ना है, उस पर आधारित आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन को हमने बना लिया, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मंजिल पर दो पंक्ति में छह फ्लैट है, एक मंजिल पे दो पंक्ति में छह फ्लैट है, इनमें से तीन उत्तर में है और तीन दक्षिण में है, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अब ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, एक दो तीन, एक दो तीन, ये फ्लैट हो गया, ठीक है। ये फ्लैट अरुण विश्वजीत मतलब छह लोग का नाम दिया हुआ है कि बीच में बांटा गया, विश्वजीत को उत्तर का फ्लैट मिलता है, मतलब नॉर्थ वाला फ्लैट किसको मिलता है, विश्वजीत को मिलता है। क्या लिखा हुआ है, विश्वजीत को उत्तर का फ्लैट मिलता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। उत्तर का फ्लैट मिलता है, वो डोरेक के बगल में नहीं बैठा हुआ है, डोरेक के बगल में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि विश्वजीत को ये फ्लैट मिलता है और यहाँ पे डोरेक नहीं बैठता है, ये उत्तर वाला फ्लैट है, मान लीजिए कि उत्तर का फ्लैट मिलता है और डोरेक के बगल में नहीं बैठता है। डोरेक और फातिमा तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं, डोरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं, तो डोरेक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, डोरेक यहाँ पे हो सकता है और फातिमा यहाँ पे हो सकती है, फातिमा यहाँ पे हो सकती है, इन दोनों को डायगोनली ऐसे फ्लैट मिल जाता है, ठीक है। अब डोरेक और फातिमा तिरछे फ्लैट मिलते हैं, चित्रा और फातिमा के बगल में है, चित्रा फातिमा के बगल में है, चित्रा फातिमा के बगल में है, तो फातिमा के बगल में कौन हो जाएगी, चित्रा हो जाएगी, तो चित्रा फातिमा के बगल में है, ठीक है, चित्रा फातिमा के बगल में बैठी हुई है और दक्षिण की ओर फ्लैट मिलता है, चित्रा को दक्षिण की ओर फ्लैट मिलता है, मतलब ये साउथ की ओर फ्लैट मिल रहा है चित्रा को, ठीक है, अभी सही है, दक्षिण की ओर फ्लैट मिलता है, इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है, मतलब इवान को क्या मिलता है, उत्तर का फ्लैट मिलता है, इवान को उत्तर का फ्लैट मिल गया, तो एक आदमी को ही बच गया यहाँ पे, अरुण बच गया शायद, अरुण लिखा हुआ है शायद, देख लीजिएगा नाम, अरुण लिखा हुआ है तो अरुण बच गया, ठीक है। तो छह आदमी को बैठा लिया, अब इस पर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 38, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्न में से किन किन लोगों को दक्षिण वाले फ्लैट मिलते हैं, तो दक्षिण वाले फ्लैट किसको मिले हैं, फातिमा चित्रा और अरुण को, तो सही आंसर आप देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है, सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया पहला क्वेश्चन, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डोरेक और फातिमा के सिवाय कौन अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे में है, डोरेक और फातिमा के अलावा विश्वजीत और अरुण, तो ऑप्शन में लिखा गया होगा विश्वजीत और अरुण, मतलब क्वेश्चन नंबर 38 का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बन गया, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा गया कि पांच पुरुष विजय चैंग डैनी और एल्वो एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जबकि जो पांच महिलाएं हैं वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ये हो जाएगा साउथ, मैंने गलत लिखा है, ये हो जाएगा साउथ है और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे सबको बैठाना आपको, अब यहाँ लिखा गया कि विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है, साक्षी के सामने डैनी के बगल में, तो यहाँ पे मान लीजिए कि विजय हो जाएगा, विनय या विजय जो भी है, साक्षी के सामने है, पांच लोग बैठे हुए हैं, नहीं ये थोड़ा सा गलत है, पांच लोग को आमने सामने बैठा लिए, अब यहाँ मान लीजिए साक्षी है और यहाँ पे डैनी कहीं आसपास होगा, मान लीजिए यहाँ पे डैनी है, ठीक है, डैनी को हमने बैठा लिया, आगे यहाँ देखिएगा डैनी को हमने बैठा लिया, उसके बाद चैंग और नैना विकर्ण एक दूसरे विकर्ण मतलब डायगोनली बैठे हुए हैं, मान लीजिए नैना यहाँ पे है, चैंग यहाँ पे है, ठीक है, चैंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने चैंग को बैठा लिया, चैंग और नैना एक दूसरे के डायगोनली बैठे हुए हैं, और उसके बाद एल्वो उसी के सामने है, एल्वो उसी के सामने है, एल्वो उसी के सामने है, एल्वो, ठीक है, एल्वो उसी के सामने है, ठीक है, तो इस चीज को बैठाइए, क्या लिखा हुआ है अगला लाइन, ठीक है, नाम यहाँ दोस्तों बहुत अजीब है, ठीक है, मान लीजिए एल्बो को हमने लिख लिया, एल्बो उसी के सामने है, उसी ओडी लिख लेते हैं,
ठीक है, एल्बो उसी के सामने है, ठीक है, जो मीना के दाई ओर ठीक बगल में है। मीना के दाई ओर मतलब मीना यहाँ पे, दाया मतलब क्या हो गया, राइट साइड हो गया, ठीक है, बगल में है। अब यहाँ पे एक आदमी बच गया, तो यहाँ पे एक आदमी बच गया अजय, और यहाँ पे एक आदमी बच गया, यहाँ पे एक आदमी पारुल, पारुल, ठीक है। तो ये हमने बैठा लिया, इसको आसानी से बैठा लिया। पारुल जो साक्षी के ठीक बाय है, तो देखिए साक्षी के ठीक बाय बैठी हुई है पारुल, डैनी के सामने, डैनी के सामने बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, और मीना पंक्ति के आखिरी सिरे पे है, तो मीना यहाँ पे देखिए पंक्ति के आखिरी सिरे पे है, तो ये भी हमने बैठा लिया। अब आगे देखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि यदि विजय एल्बो के स्थान पर चला जाता है, विजय जो है एल्बो के स्थान पर चला जाता है, मतलब ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं अपने पोजीशन को, एल्बो साक्षी के स्थान पर चला जाता है, एल्बो साक्षी के स्थान पर चला जाता है, मतलब यहाँ से साक्षी और एल्बो अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये चेंज कर लेते हैं अपने स्थान को, ठीक है, स्थान पे चली जाती है, तो ओडीसी के सामने बैठे व्यक्ति के बाय दूसरे स्थान पे कौन होगा। अब ओडीसी के सामने मतलब ओडीसी के सामने साक्षी, और यहाँ पे दूसरे स्थान पे बोला गया ना, बाय बोला गया दूसरे स्थान पे, ठीक है, बाय ओडीसी के बाय दूसरे स्थान पे कौन होगा, ओडीसी के बाय दूसरे स्थान पे कौन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे साक्षी हो जाएगी, ओडीसी के बाय दूसरे स्थान पे साक्षी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है ना, ये इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाता है, मतलब इस साइड हम लोग का लेफ्ट हो जाता है साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ओडीसी के सामने बैठे व्यक्ति के बाय दूसरे व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर आपका साक्षी हो जाएगा, आप लोग एक बार बना के देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो बैठाना था वो मैंने सही बैठा दिया। अगले क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, कुछ अलग क्वेश्चन है, इसे आप कह सकते हैं टाइप फोर कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप क्या कह सकते हैं, टाइप फोर कह सकते हैं, ठीक है, टाइप फोर आप कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा टाइप फोर को। एक ट्रॉफी के लिए, ठीक है, एक ट्रॉफी के लिए ध्यान दीजिएगा, एक ट्रॉफी के लिए 16 टीम भाग लेती है, 1 से 16 तक नंबर दिया गया है, क्वालिफायर मुकाबले में टीम को अपनी रैंकिंग से ठीक नीचे की रैंकिंग वाली टीम का सामना करना है, उदाहरण के लिए 1 को 2 से खेलना है, 3 को 4 से खेलना है, ऐसे खेलना है, ठीक है। यह देखा गया कि कम रैंकिंग वाली टीम हमेशा जीत जाती है, जिनका कम रैंकिंग है वो हमेशा जीत जाती है, तो इनमें से कौन सी 2 टीम सेमीफाइनल मैच खेलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 1-2 हो गया, तो इन दोनों के बीच में मैच होता है तो दूसरा टीम जीत जाता है, ठीक है। इसी तरह 3 और 4 के बीच में होगा तो नीचे वाला जो चौथा टीम है वो जीतेगा। इसी तरह 5 और 6 के बीच में होगा तो 3 और 4 में 5 और 6 के बीच में 6 जीतेगा। इसी तरह 7 और 8 में 8 जीतेगा, 9 और 10 में 9-10 जीतेगा, 10 और 11 में 11 और 12 में 12 जीतेगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 13 और 14 में 14 जीतेगा, और यहाँ लास्ट में 16 जीतेगा, ठीक है। अब इन दोनों में मुकाबला होगा तो इन दोनों में 4 जीतेगा, इन दोनों में मुकाबला होगा तो इन दोनों में 8 जीतेगा, इन दोनों में मुकाबला होगा तो इन दोनों में 12 जीतेगा, इन दोनों में मुकाबला होगा तो इन दोनों में 16 जीतेगा। अब 4 टीम हमारे पास हो गए, तो सेमीफाइनल का टीम पूछ रहा है, तो सेमीफाइनल का टीम बन चुका है, ठीक है ना। अब देखिएगा आप लोगों को आंसर सीधा बताना है यहाँ पे, सेमीफाइनल का टीम या तो 4-8 होगा या फिर 12-16 होगा, ऑप्शन के अनुसार आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक प्रदर्शनी में अलग अलग कंपनियों के LG एयर कंडीशनर कैरियर, मतलब अलग अलग कंपनियों के जो प्रोडक्ट है उनको रखा गया, कंपनी टोटल 7 है, और इष्ट की ओर सजा के रखा गया, तो 7 कंपनी है तो 7ों को सजा लीजिए ऐसे करके, ठीक है। 7ों को हमने ऐसे करके सजा लिया, ठीक है, 7ों को हमने सजा लिया, इष्ट की ओर रखा गया है। वीडियो कॉन, अब जो मेन क्वेश्चन है उसको देखिए, LG को वीडियो कॉन से लगाकर दाई ओर रखा गया, अब दाया बाया कैसे निकालिएगा यहाँ पे, यहाँ मुश्किल हो जाएगा, तो इसको क्या कीजिए, नॉर्थ बना लीजिए, इसको क्या कीजिए, नॉर्थ बना लीजिए, तो हम इससे इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ बना लीजिए, इसको सीधा करके रख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हमने बना लिया, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ से बनाते हैं, अब यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, अब दिखेगा, यहां तक तो दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हमने बना लिया, क्योंकि यहाँ लेफ्ट राइट करना आसान होगा। LG को वीडियो कॉल से लगाकर दाई ओर रखा गया है, LG को वीडियो कॉल से लगाकर दाई ओर रखा गया है, ठीक है।
एलजी को वीडियो कॉन से लगा के, मान लीजिए कि वीडियो कॉन कहाँ पे है, वीडियो कॉन मान लीजिए कि यहाँ पे है, एलजी यहाँ पे है, ठीक है, वीडियो कॉन यहाँ पे है, एलजी यहाँ पे है, दाई ओर रखा गया मतलब राइट साइड रखा गया, तो राइट हैंड हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेगा एलजी को वीडियो कॉन से लगा के दाई ओर रखा गया, वीडियो कॉन को सैमसंग के दाई ओर चौथे क्रम पर रखा गया, वीडियो कॉन को सैमसंग के दाई ओर चौथे क्रम पर रखा गया है, ठीक है, सैमसंग, तो सैमसंग कहाँ हो जाएगा, सैमसंग चौथे क्रम पे, एक दो तीन चार, सैमसंग यहाँ पे हो जाएगा, सैमसंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सैमसंग को यहाँ बैठा लिया हमने। अब उसके बाद आगे क्या पूछा गया, चौथे क्रम पे गोदरेज एयर कंडीशनर को एसी कैरियर और हिताची के बीच में, गोदरेज जो है हिताची और एसी के बीच में है, हिताची और एसी के बीच में है, गोदरेज हिताची और एसी के बीच में, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो बच गया उसको बैठा लिया। अब यहाँ पे बैठाइए सैमसंग हिताची गोदरेज एसी वीडियोकॉन, ठीक है, एलजी और डब्ल्यूएफ सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो यही इसका क्रम होगा और इसके आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनको भी चाहे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों शायद खत्म हो गए, फिर भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान से देखिएगा, गोदरेज एयर कंडीशनर एसी के बाई ओर लग के है, गोदरेज कहाँ पे, गोदरेज यहाँ पे है, एसी के बाया साइड है, तो ये तो हमें सही लग रहा है, एसी के लेफ्ट साइड है, ये साइड जाते हैं तो लेफ्ट कहलाता है, ठीक है, नॉर्थ में, तो ये सही लग रहा है मुझे, ये हो सकता है। उसके बाद हिताची सैमसंग के, तो यही सही हो जाएगा, जब यही पे सही आंसर मिल गया तो यही को लगा देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले आगे कोई क्वेश्चन है तो उसके भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, तो अगर आप लोग का अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत जल्द हम खत्म करने वाले हैं, तो वीडियो का पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए थैंक यू, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।